साथी हैं, डॉक्टर नवीन कुमार यादव सर हैं, वलसाड़ गुजरात से। सर आपका हार्दिक स्वागत है। सर जुड़ चुके हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर। और नवीन सर, जी की आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। सर अभी आ रही है? हाँ सर, आ रही है अब, ठीक आ रही है। सर आपको फंक्शंस जो के जो सीक्वेंसेज हैं उस पे बात करेंगे, और शायद ठीक है, हो सकता हो थोड़ा शुरुआत से कुछ चीजें आपके रिस्पांस को देखते हुए चीजें आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है सर, आप शुरू करिए। और आप अधिकतर बच्चे जुड़ चुके हैं, कुछ शायद अभी रह गए हैं, लेकिन अभी वो वह मैं कोशिश करता हूँ बाकी बच्चों को जोड़ने। थैंक यू सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हम लोग आज सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन की बात करने वाले हैं। हम लोग कोई हाई फाई थ्योरम नहीं करेंगे। बेसिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, थोड़े बहुत बेसिक रिजल्ट्स देखेंगे उसके, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत मैं सीक्वेंसेस से करना चाहता हूँ। कोई बता सकता है सीक्वेंस क्या होता है? It is a function from the set of natural numbers to a subset of real numbers. Correct. So, a sequence is a function from set of natural numbers to set of real numbers, or in general to any set. But अगर किसी vaguely अगर आपको बताना है कि sequence क्या है, तो roughly you can say that it is arrangement of objects in some particular order. Whether finite or infinite, कोई भी अरेंजमेंट है एक ऑर्डर में, then it is called a sequence. और mathematically उसे हम define करते हैं as a function from set of natural numbers to the set X. मतलब हम हर एक नंबर के लिए एक एलिमेंट असाइन करते हैं, और सीक्वेंस के लिए जनरल नोटेशन है हमारा xn and running from 1 to n. और तो जैसा सब्जेक्ट का टाइटल है एनालिसिस, तो हम लोग जब सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस क्या कैसा है बेसिकली। तो इन द प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी एक फिक्स नंबर के से छोटा है, यहाँ पे जनरली आप कोई भी सेट, मतलब किसी भी सेट पे सीक्वेंसेस की बात कर सकते हो, बट हम लोग रियल लाइन की ही बात करेंगे। थ्रू आउट हमारा जो स्पेस होगा वो रियल नंबर्स का होगा, या आगे जाके हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी नंबर से छोटा है, देन वी कॉल इट अ, वी से दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, और अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी नंबर से बड़ा है, देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। ये सारे बेसिक मोशंस हैं जो आप लोगों को शायद पता होंगे। अगर एक पॉजिटिव नंबर, सॉरी एक नंबर एल मिलता है, if there exists a real number L such that limit n tending to infinity xn is equal to L, then we say that xn is convergent to L. अगर sequence के term किसी एक number L के पास जा रहे हैं, उस case में हम sequence को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं, एंड
एल को हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। उसके अलावा आपने शायद अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो उस केस में हम सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है देन वी से दैट इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हमेशा बाउंडेड होते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर ऑलवेज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड होंगे? अगर अनबाउंडेड होते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, राइट? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर ऑलवेज बाउंडेड and they have unique limit. इसके अलावा आपने Cauchy sequences के बारे में भी पढ़ा होगा। तो अगर xn कोई sequence है और एक स्टेज n मिलता है जिसके बाद sequences के टर्म काफी close रहते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को हम Cauchy सीक्वेंस बोलते हैं। और मैथमेटिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन सच दैट मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन देन सीक्वेंस इज सेट टू बी Cauchy। This property के convergent sequences are always Cauchy। I think इतना prerequisite काफी है sequences के बारे में, sequence of functions की बात करें। सीक्वेंस आप लोगों को पता है कि इट्स अ फंक्शन फ्रॉम एन टू वन। जैसे हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स का को लेके सीक्वेंस बना सकते हैं, तो अगर हम कुछ फंक्शंस लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं f1 f2 fn एंड सो ऑन, तो हम उनका भी सीक्वेंस बना सकते हैं, राइट? बट ये सीक्वेंस मीनिंगफुल कब होगा? अगर f1 का डोमेन अलग है, f2 का डोमेन अलग है, तो आप मतलब कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये सीक्वेंस इंटरेस्टिंग कब होगा? अगर सबका डोमेन सेम है, f1 f2 fn आर रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेम डोमेन। बी देन दिस सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। आई मीन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो आर्बिट्री फंक्शन भी ले सकते हो, बट हम अगर एनालिसिस करना है तो वी प्रिफर के सबका डोमेन सेम। fn सारे फंक्शंस हैं, तो अगर आप डोमेन का कोई भी पॉइंट लेते हो तो हर एक पॉइंट के लिए आपको एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलेगा fn x सीक्वेंस। सारे fn जो है वो पूरे डोमेन d पे डिफाइंड है, तो आप कोई भी x फिक्स कर लेते हो डोमेन में से, तो उस x के लिए
अगर आप ये सीक्वेंस लेते हो f1x f2x fnx and so on, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगा अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है, ये जो सीक्वेंस हमें मिला गिवन अ पॉइंट x, जो सीक्वेंस fnx हमें मिला अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है देन वी से दैट सीक्वेंस fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट at point x. ये चीज क्लियर है? हमने सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, एंड गिवन अ पॉइंट, हर एक फंक्शन का इमेज लिया एट दैट पॉइंट, तो हमें एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिला. अगर उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट होती है, मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, then we say that sequence fn is point-wise convergent at point x. And अगर ये limit exist करती है for all x in domain, यहाँ पे हमने गिवन x से स्टार्ट किया था, एक पर्टिकुलर x से स्टार्ट किया था, अगर ये लिमिट हर एक पॉइंट इन डोमेन के लिए एग्जिस्ट होती है देन आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो f गिवन बाय x equal to limit n tending to infinity fnx. मतलब जो fnx sequence हमें मिला था उसकी जो लिमिट थी उसको आप fx डिफाइन करो. तो क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये लिमिट एक्सिस्ट हो रही है तो आपको हर एक पॉइंट पे f की इमेज मिल रही है. तो f is a function from x to r, right? और हर एक पॉइंट पे ये एफ एन एक्स किसको कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है. तो वी से दैट एफ एन इज कन्वर्जेंट टू एफ पॉइंट. और एफ इज कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ ये चीज क्लियर है सबको? यस यस सर. यस सर. तो लेट्स स्टार्ट और टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. मान लेते हैं fn एक सीक्वेंस है ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस गिवन बाय fnx इक्वल टू nx. तो क्या ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा? नो सर. नो सर, डाइवर्जेंट. It is not point-wise convergent because अगर आप limit check करते हो fn की, तो कोई भी particular point x के लिए limit n tending to infinity fnx is limit n tending to infinity nx.
infinity. So limit exists नहीं हो रही है for any point other than zero. तो ये function जो है वो zero पे point wise convergent है. अगर x equal to zero लोगे तो सारे अपन constant sequence zero आ जाएगा. तो ये जो sequence है fn is not point wise convergent. हम दूसरा सीक्वेंस लेते हैं ऑफ फंक्शन ऑन आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एन. तो इस सीक्वेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ये कन्वर्जेंट होगा? यस सर, कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है. दिस लिमिट is zero. This is point wise convergent to zero function. If fnx, fn is a sequence from R to R given by fnx is equal to nx plus x squared by n squared. Again, यहाँ पे limit क्या आने वाली है? Zero. 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 So this is also point-wise convergent to zero function. तो किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट करना इजी है. आपको जस्ट बेसिकली गिवन अ पॉइंट एफ एन एक्स सीक्वेंस बनाना है, उसकी लिमिट चेक करनी है. अगर वो लिमिट एग्जिस्ट होती है देन इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, अगर एग्जिस्ट नहीं होती है देन इट इज नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट. अब हमें गिवन अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन उसे एनालाइज करना है. तो बेसिकली हम ऑब्वियस क्वेश्चन क्या आता है कि जब आप कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेते हो अगर वो किसी फंक्शन पे कन्वर्ज होता है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो प्रिजर्व करेगा. अगर एफ एन कंटिन्यूस है तो क्या जो लिमिटिंग फंक्शन है एफ वो भी कंटिन्यूस होगा? अगर सारे एफ एन डिफ्रेंशिएबल हैं क्या एफ डिफरेंशिएबल होगा? यस सर, दीज आर क्वेश्चंस जो हमें चेक करना है. यस सर, अगर एफ एंड बाउंडेड है तो क्या एफ बाउंडेड होगा? तो विद टाइम हम लोग देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो. अगर ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो f को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो बट fn कंटिन्यूस हो और f कंटिन्यूस ना हो, fn डिफरेंशिएबल हो बट जो लिमिटिंग फंक्शन है f वो डिफरेंशिएबल ना हो, fn बाउंडेड हो और जो लिमिटिंग फंक्शन है f वो बाउंडेड नहीं हो, ऐसे फंक्शंस ऐसे सीक्वेंसेस हमें मिलेंगे. स्टार्ट विथ एग्जाम्पल देखते हैं. कंसिडर द सीक्वेंस एफ एन फ्रॉम 0, 1, 2 आर given by fnx equal to x to the power n.
ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा? यस सर, दिस लिमिट एग्जिस्ट करती है एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन. क्या है की लिमिट? जीरो पे और वन को छोड़कर बाकी जगह जीरो. जीरो और वन पे वन. एक्स इन जीरो टू वन एंड वन और एक्स इक्वल टू वन. तो अब पॉलीनोमियल्स के बारे में हमें क्या पता है कि पॉलीनोमियल फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं. ये सारे एक्सेस जो है वो कंटीन्यूअस है. एफएन सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन है और जो उसकी लिमिट आ रही है, जो लिमिटिंग फंक्शन आ रहा है, वो तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है. यस सर. तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा सीक्वेंस ऑफ जो सीक्वेंस में जो भी फंक्शन है वो सारे कंटिन्यूअस हो, बट लिमिटिंग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस. तो ऐसे कोई तरीका है कन्वर्जेंस डिफाइन करने का जहां पे ये प्रॉपर्टीज प्रिजर्व होती है? तो आंसर इज यस, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं. तो जस्ट एक बार पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस रिविजिट कर लेते हैं. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमने कैसे डिफाइन किया है? इफ एफएन इज अ सीक्वेंस एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफएन एक्स एग्जिस्ट, fn is a sequence, real sequence of real valued function defined on domain D, and if limit n tending to infinity fnx exists for all x in domain, then if we define fx to be limit n tending to infinity fnx, then fn is said to be point-wise convergent to F. ये limit n tending to infinity fn x fx है, इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं? fn x सीक्वेंस fx की तरफ चल रहा है, तो मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं कि given epsilon greater than zero, हर एक एक्स इन डोमेन के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. फॉर एनी एक्स इन डोमेन ये लिमिट एफ एक्स के बराबर है. तो इफ यू टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर सच दैट मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन for all n, n greater than equal to n. कोई भी पॉइंट x लो, उस पॉइंट x के लिए लिमिट n tending to infinity fn x is equal to fx. मतलब ये fn x equals fx को कन्वर्ज हो रहा है. Mathematically, तो given epsilon, हमें n मिलेगा, such that mod fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to. तो ये जो n हमें मिल रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉइंट x पे एंड एप्सिलॉन. अगर हम ऐसा एक n ढूंढ सकें जो पॉइंट पे डिपेंड ना करे, मतलब हर एक पॉइंट पे जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब एक कॉमन स्टेज मिल जाए जिसके बाद सारे सीक्वेंसेस एफ एक्स के क्लोज आ जाए, देन वी से दैट एफएन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ. तो जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लेते हैं तो वहां पे जो गिवन एप्सिलॉन हमें एन मिलता है वो हर एक पॉइंट के लिए वेरी करता है. बट अगर हमें एक ऐसा एन मिल जाए जो हर एक पॉइंट के लिए वर्क करे, उसका मतलब क्या होगा कि सारे जो सीक्वेंसेस हैं fnx सीक्वेंस, हर एक पॉइंट पे जो सीक्वेंस बन रहा है fnx, वो सारे एक यूनिफॉर्म रेट से fx के क्लोज जा रहे हैं. एक यूनिफॉर्म स्टेज मिल रहा है, एक सेम स्टेज मिल रहा है जो सबके लिए वर्क कर रहा है.
In that case, we say that the convergence is uniform. If given epsilon greater than 0, तो ये सारा assumption हमारे पास है already FN in sequence है defining on some domain D and limit x is for all x and we define limit FN x equal to fx. Then if given epsilon greater than 0, there exists N in I such that for all x in domain fnx minus fx is less than epsilon for every n greater than equal to n, we say that fn is convergent, uniformly convergent to. तो यहाँ पे जो n है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ epsilon पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. तो आपको एक यूनिफॉर्म n मिल गया जो हर एक पॉइंट के लिए वर्क कर रहा है. सो वी से दैट fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f. क्लियर है डेफिनेशन? यस सर. यस सर. We have a result. If fn converges to f uniformly, and if each fn is continuous, then the limiting sequence f, the limiting function f, is also continuous. The uniform convergence kya guarantee karega? Ki agar sequence continuous hai, sorry, sequence ka har ek function continuous hai, to jo limit function hai wo bhi continuous hoga. And it is easy to see. So, agar aap koi bhi point एक्स नॉट लेते हो डोमेन में से, क्योंकि सिंस ईच एफ एन इज कंटिन्यूस, हर एक एफ एन कंटिन्यूस है, लिमिट हर एक एफ एन कंटिन्यूस है एट पॉइंट, तो fn is also continuous at point x0, और वो x0 पे continuous है, मतलब limit extending to x0 fn x is equal to fn x0 continuous. हम लोग इस तरीके से define करते हैं that limit extending to a fx is equal to fa. डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो तीन टाइप की हो सकती है. बेसिकली एक ब्रेक हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ना हो तो भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, और जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो उधर वो पॉइंट फंक्शन लिमिट के बराबर नहीं होती तो भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है. तो तीन काइंड की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, और तीनों को अवॉइड करने का तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होती है और वो फंक्शन वैल्यू के बराबर होती है. इन दैट केस वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. क्योंकि हर एक fn कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x, पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, तो पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप लेते हो उस पर भी कंटिन्यूअस होगा. और fn x0 पे कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू x0 fn x इक्वल टू fn x0 होगा. एंड दस बाय डेफिनेशन given epsilon by 3 greater than 0, एक डेल्टा मिलेगा पॉजिटिव नंबर
such that whenever x is delta close to x naught, fn x is epsilon close to fn x naught, epsilon by 3 close to fn x naught. ये कंटिन्यूअस है, मतलब आप जैसे x x नॉट की क्लोज जाता है fn x नॉट की क्लोज जाता है. एंड मोर ओवर क्या दिया हुआ है दैट fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f. तो गिवन एप्सिलॉन बाय 3 ग्रेटर देन 0 बाय डेफिनेशन एक स्टेज n मिलेगा सच दैट mod fnx minus fx is less than epsilon by 3 for all n greater than equal to n and for all x in domain. And therefore, for x minus x naught less than delta, mod fx minus fx naught, for mod fx minus fnx plus fnx less than equal to आपको क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन. This is also less than epsilon by 3 for all n greater than equal to n. And because fn continuous at x naught, so and x minus x naught is less than delta, this is also less than epsilon by 3. So हमने given epsilon, हमने delta find कर लिया, such that x minus x naught less than delta implies fx minus fx naught is less than epsilon, that is limit extending to x naught fx is equal to fx naught, so f is continuous at x naught. और हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया था x naught, तो f is continuous at on whole domain D. तो अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है और सीक्वेंस का हर एक टर्म, हर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिटिंग फंक्शन एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस. एंड सिमिलरली आप लोग ये भी शो कर सकते हो कि अगर सारे एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है टू एफ एंड ईच एफ एन इज बाउंडेड, देन f is also bounded. अगर सारे सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म बाउंडेड है, हर एक फंक्शन बाउंडेड है, तो जो लिमिट फंक्शन है f वो भी बाउंडेड होता है. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑल्सो प्रिजर्व बाउंडेड. तो अगर हमें बेसिकली एक तरीके से हमें क्राइटेरियन मिल गया चेक करने का कि कोई कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं, तो अगर लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है और सारे एफ एन कंटिन्यूस है, तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है.
सिमिलरली अगर सारे एफ एन बाउंडेड है बट लिमिटिंग फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो आप कह सकते हो कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है. बट क्या कोई ऐसा सीक्वेंस होता है जिस जो का हर एक फंक्शन बाउंडेड हो बट जो लिमिटिंग फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो, ऐसा पॉसिबल है? नो सर. तो जनरली ऐसा लगता है कि अगर सारे सीक्वेंस सारे फंक्शंस बाउंडेड तो लिमिटिंग फंक्शन भी बाउंडेड होगा, बट जरूरी नहीं है. यू कैन दिस एग्जांपल मान लेते हैं fn सीक्वेंस है फ्रॉम 0 1 टू r गिवन बाय fn x इक्वल टू n बाय nx प्लस 1. ये एफ एन बाउंडेड है ये सारे एफ एन बाउंडेड होंगे. क्यों जस्टिफाई कर सकते हो क्यों बाउंडेड है? ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, राइट? दिस 1 प्लस समथिंग है और आपका जो डोमेन है वो 0 और 1 के बीच में, तो रियली ये जो डिनोमिनेटर है वो 1 से बड़ा है. तो आप लोग बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी जब आप 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो इट इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू n. तो हर एक n के लिए fnx जो है वो n से बाउंडेड है. Each fn is bounded. But इसका limiting function क्या आने वाला है? Limit क्या आएगी? 1 upon x. 1 by x. Limit infinity fnx is 1 by x. क्या ये bounded है? No sir, 0 1 में नहीं है. No sir, 0 पे unbounded होता है. It is not bounded. तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है बट हमने सीक्वेंस बाउंडेड फंक्शन का लिया था बट लिमिटिंग फंक्शन अनबाउंडेड. तो यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म. तो इधर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता और सारे फंक्शन बाउंडेड होते तो जो लिमिट फंक्शन है वो भी बाउंडेड होना. एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं. तो सपोज ये सीक्वेंस है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू 1/n. क्या लिमिट एग्जिस्ट होगी? तो लिमिटिंग फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा. यस सर. कन्वर्जेंस पक्का? तो कई बार हम लोग बिना कंप्यूट किए जैसे ग्राफिकली देख देख सकते हैं. तो यहाँ पे x टू द पावर 1/n बेसिकली जो आपका x टू द पावर n का ग्राफ होता है उसका रिवर्स ग्राफ होता है. तो स्क्वायर रूट वाला ग्राफ इस तरीके का होगा, x क्यूब वाला 1/3 रूट का ग्राफ इस तरीके का होगा एंड सो ऑन. अब जब इसकी लिमिट की बात करोगे लिमिटिंग फंक्शन क्या आने वाला है? सर 1. जैसे लिमिटिंग फंक्शन 1 आएगा बट 0 पे तो 0 ही आने वाला है, राइट? तो ये कन्वर्जेंस कैसा होगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? लिमिट एग्जिस्ट हो रही है एट ईच पॉइंट? यस.
लिमिटिंग फंक्शन आ रहा है, क्या वो कंटीन्यूअस है? नो सर, कंटीन्यूअस नहीं है, और फंक्शन सारे कंटीन्यूअस हैं तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। एंड लिमिट इज ऑब्वियसली नॉट जीरो, एट जीरो इट इज जीरो, बट पूरे डोमेन पे लिमिट इज नॉट जीरो। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एफ एन एक्स इज 1 माइनस एन एक्स फॉर एक्स बिटवीन 0 टू 1 बाय एन एंड 0 फॉर एक्स 1 बाय एन। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि हम उसके ग्राफ प्लॉट कर लें, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप मैनुअली कंप्यूट करने जाओगे लिमिट, तो यहाँ पे जो रेंज है वो डिवाइडेड है और वो रेंज वेरी हो रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बेटर कि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें। एफ वन फंक्शन कैसा दिखेगा? एफ वन फंक्शन इज 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? एन इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो वन माइनस 2x, डबल स्पीड से सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स इक्वल टू हाफ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, उसके बाद 0। तो ये आपका एफ वन है, एफ टू मिला, एफ थ्री एंड सो राइट। तो लिमिटिंग फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो? क्या आएगा लिमिटिंग फंक्शन? जीरो सर, जीरो जीरो। बट आप कितना भी एन इंक्रीज करते जाओ, इट विल आप 1/n कभी भी जीरो क्लोज नहीं जाएगा, तो इट विल बी जीरो। और सर जीरो पे वन भी मिलेगा? जीरो पे वैल्यू वन ही आएगी। तो लिमिटिंग फंक्शन होगा, इट विल बी जीरो फॉर एक्स डिफरेंट फ्रॉम जीरो एंड जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या करें, कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं सर? डी बी डी सर, लास्ट ऑप्शन। यस, डी इज करेक्ट। लिमिट फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, अब कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सारे फंक्शंस कंटीन्यूअस, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है एंड लिमिट इज नॉट जीरो अपीयर। द लिमिट एफ एन एक्स इज फॉर ऑल एक्स इन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। fn x equal to x e to the power minus n x. तो बेसिकली ये जो फंक्शन है, तो कई बार हम लोग फंक्शन देख के थोड़े से घबरा जाते हैं कि किस तरीके से इसको इवेल्यूएट करेंगे। फिर लिमिट आप निकाल सकते हो नो डाउट, बट अगेन ऑब्वियस वेज इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो ये फंक्शन क्या है, x बाय e टू द पावर एन एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो काफी स्पीड से इंक्रीज होता है कंपेयर टू x, तो x के जैसा आएगा
इसके बाद जो फंक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा, और जब आप नेगेटिव अपनोगे तो वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव रिएक्शन होगा। तो इसका प्लॉट आप बनाते हो तो जो एफ वन होगा वो इस तरीके का रहेगा, एफ टू विल बी एफ थ्री फर्दर डिक्लाइन होगा। तो जैसे आप एन इंक्रीज करते जाओगे तो ये स्पीड बढ़ती जाएगी। ये फंक्शन धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है? इसके बारे में क्या पूछ सकते हो? तो सीक्वेंस ऑफ ये यूसी होगा इनियस है और लिमिट फंक्शन जो है जीरो आ रहे हैं सर, यूसी होगा नॉन यूनिफॉर्म कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहली चीज जो डिस्कार्ड कर सकते हैं वहां वो करते हैं, सीक्वेंस अनबाउंडेड नहीं है, सारे फंक्शन बाउंडेड है, बस ये ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है। तो सारे सीक्वेंसेस कैसे होंगे? बाउंडेड होंगे। दिस इज इनकरेक्ट। अब हमें जैसे ये चेक करना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं, बाउंडेड तो है सीक्वेंसेस। तो आप कितना भी स्मॉल एप्सिलॉन ले लो, एक स्टेज के बाद जो फंक्शंस हैं वो जीरो के क्लोज ही रहेंगे, और वो हर एक पॉइंट के लिए वर्क करेगा, राइट? तो ये जो ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक स्टेज के बाद रिटर्न रिटर्न हो जाता है। अगर बाय डेफिनेशन आप चेक करने जाओगे तो आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, दिस इज योर एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हो कि जो थ्री एफ थ्री के बाद वाले जो टर्म्स हैं वो हर एक एक्स के लिए जो लिमिटिंग फंक्शन है उसके क्लोज रहेंगे। अगर आपने एप्सिलॉन और स्मॉल ले लिया तो भी आपको एक स्टेज एन मिल जाएगा जिसके बाद वाले सारे फंक्शंस हर एक पॉइंट पे इसके क्लोज रहेंगे। दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन होल ऑफ आर। बट यहाँ पे अगर हम ये चेक करने जाते हैं मैनुअली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और आप मैनुअली चेक करने जाओ, ऐसे तो डायरेक्ट है, ऑब्वियस चीज़ है, बट कई बार स्ट्राइक नहीं होता। तो ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव वे है चेक करने का कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म है या नहीं? इट इज गिवन बाय दिस सुप्रीमम टेस्ट। एक टेस्ट है हमारे पास जो डेफिनेशन का ही इक्विवेलेंट वर्जन है। If fn is a sequence of function and fn limit n tending to infinity, fn x is equal to fx for all x in domain, then let mn be supremum of fn x minus fx x in domain. Then fn converges to f uniformly if and only if mn tends to 0 as n tends to infinity. Or you basically hamare definition se hi follow hota hai. Kaise? So agar fn converges to f uniformly hai, then given epsilon
एक से एन मिलता है डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन इंप्लाइज एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स इन डोमेन. अब हर एक एक्स के लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है. We can always say that supremum of f and x minus f x is less than equal to epsilon. Supremum x in domain is less than epsilon, and that means mod m n is less than epsilon. इसका मतलब क्या हुआ? कि आप कोई भी epsilon लो, एक स्टेज के बाद m n less than epsilon हो जाता है. Which is nothing but saying that m n tends to zero as and tends to infinity. And ये जो result है वो इतना only एक है, because अगर m n tends to zero हुआ तो given epsilon x stage n मिलेगा, इसके बाद m n less than epsilon हो जाएगा, और m n less than epsilon है मतलब supremum f n x minus f x less than epsilon हो जाएगा. और सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एक्स इन डी, दैट मींस मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स इन डी, दैट मींस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म. क्लियर है ये? यस सर. मैंने कुछ पार्ट थोड़ा इनअप्रोप्रिएटली लिखा है, बट आई होप क्लियर होगा. तो डेफिनेशन का इक्विवेलेंट वर्जन है. अगर आप इस तरीके से एम एन डिफाइन करते हो और अगर एम एन टेंस टू जीरो है, देन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, एंड इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, देन दिस सीक्वेंस एम एन विल टेंड टू जीरो. क्लियरली इस केस में आपको पता है कि मॉड जो एफ एन सीक्वेंस है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो लिमिटिंग फंक्शन जीरो है. और जब आप सुप्रीमम लोगे, जो सुप्रीमम है एफ वन के लिए, सुप्रीमम एक फिक्स वैल्यू है. एफ वन के लिए सुप्रीमम एक फिक्स वैल्यू है, एफ टू के लिए सुप्रीमम एक फिक्स वैल्यू है, एफ थ्री के लिए सुप्रीमम एक फिक्स वैल्यू है, और ये जो फिक्स वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है. मतलब जो एम एन है वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म. कुछ एक्सरसाइजेस थे जो आई थिंक पता होना चाहिए आपको. इस कई बार ऐसा होता है कि हम जितने ज़्यादा रेफरेंसेस रीड करते हैं, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वही क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं. तो अगर आपने वो एग्जाम्पल्स कहीं देखे हैं तो आपके लिए वो समझना और सॉल्व करना ईजी हो जाता है. तो हो सके उतने रेफरेंसेज आपको देखने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स देखोगे तब एक नया अप्रोच मिलेगा हर बार आपको दूसरी बुक आप उठाओगे. तो यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जिंग एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एफ एन एक्स इज एक्स टू एन बाय वन प्लस एक्स टू द पावर टू एन. ये ग्राफिकली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो फंक्शंस हैं वो इस तरीके के दिख रहे हैं. और जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो डिनोमिनेटर है एक्चुअली बड़ा है, तो as n tends to infinity this will tend to zero, and x अगर greater than one है तो this will tend to one. अगर x less than 0 है तो वो काफ़ी स्मॉल होता जाएगा, दिस विल टेंड टू 0, और ग्रेटर देन 1 है तो वो 1 की तरफ जाएगा, एंड एट x इक्वल टू 1 इट इज 1/2, माइनस 1 और 1 के 1/2. तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, बट जो लिमिट है इट इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन.
ए कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, इट्स अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ये एग्जांपल हमने देखा था fn x इक्वल टू xn, यहाँ पे जो लिमिटिंग फंक्शन है इट इज जीरो ऑन जीरो टू वन, बट वन पे इट इज वन। तो ऑब्वियसली ये लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, बट ये चीज डिस्कस करना रहेगा। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में सर, नरेंद्र सर, यस सर, कितना समय है मेरे पास? सर समय ऑलमोस्ट 2-3 मिनट है अभी, आप इसको कर लीजिए। तो बेसिकली जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है कोई सीक्वेंस fn, f को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो जो लिमिटिंग कंडीशंस होती हैं लिमिट को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fn डैश जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स के बराबर। सिमिलरली लिमिट इंटीग्रल एफ एन जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल एफ के बराबर इन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के केस में। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे ये कंडीशंस इक्वल होती हैं बट स्टिल कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इनके बेसिस पे आप तय नहीं कर सकते कि कन्वर्जेंस आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ऐसा आप गारंटी नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी सीक्वेंस के सारे फंक्शंस कंटिन्यूस होंगे और लिमिटिंग फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो। सिमिलरली ये कंडीशन हो सकता है कि इक्वालिटी हो कुछ केसेस में बट कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म ना हो। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू वही उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जब आप ये फंक्शन लेते हो एक्स एन, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल आएगा और एफ एन इट इज 1/n+1 और जो लिमिटिंग इंटीग्रल है वो भी जीरो आता है, तो दोनों इक्वल है बट दिस कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो कई बार ये जो लिमिट और वो अच्छे से बिहेव करते हैं कि आपके फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिटिंग फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, बट दैट डजंट गारंटीज के आपका जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म है। उसके लिए आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। हाँ, बट वाइस वर्सा आप डिस्कार्ड कर सकते हो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, मतलब अगर एफ एन कंटिन्यूस है और एफ कंटिन्यूस नहीं है तो आप क्लियरली बोल सकते हो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बट कंटिन्यूस है तो यू कैन नॉट से दैट इट इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। मतलब एक लास्ट चीज ये कहना चाहूंगा कि कई बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनालिसिस को स्किप कर देते हैं कंसिडरिंग कि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, जो प्रॉब्लम होते हैं वो आते नहीं है वहाँ पे, बट उसमें भी आपको अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच रखोगे तो कई बार प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है उनका। वो इनफैक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसको एज अ ऑप्शनल डिस्कार्ड नहीं करना है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक सर मैं यहीं पे एंड करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कई चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों ने पढ़ी होती हैं, लेकिन मेरा अपना परिचय अनुभव सारी चीजें रही हैं कि जब हर बार कोई नया टीचर पढ़ाता है तो कई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, हम सभी के साथ है। तो आपने अपने जो अनुभव थे जो चीजें सीखी उससे हमारे बच्चों को कई नई चीजें कई नए एंगल से सीखने का मौका मिला होगा। मैं हमारे पूरे शैक्षणिक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सर। और फिर सभी बच्चों को कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, 2:45 पर स्वप्निल श्रीवास्तव सर का लेक्चर है, हम उस पर फिर जुड़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर अब शुरू करें? हाँ सर शुरू करते हैं। ठीक है चलिए। तो कल हम लोगों ने सीलोफास थ्योरम का प्रूफ देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, विशेष रूप में S4 के लिए कुछ कैलकुलेशन भी किया था। कल का अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना हो तो हम आगे जो है प्रोसीड करते हैं। चलिए ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। ठीक है थैंक यू। बिल्कुल मैं बहुत धीमे धीमे जो है चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आपको किसी को कहीं पर भी लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है तो वो तुरंत जो है मुझे टोक सकता है और उसको मैं दोबारा समझा सकता हूं। टुडे इज अ 6। तो कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, खास तौर पर S4 की बात की थी, और S4 में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? इसके CO2 सब ग्रुप्स लास्ट में ये काम किया था ना। और कुछ कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दिया था कि आप करेंगे। B4 आपका आपको पता है, मैं चलिए लिख देता हूं फिर से। था और फिर हमने लिया H1, एक सब ग्रुप लिया था आइडेंटिटी एंड 1-2, उसी तरीके से H2 लिया था हमने, H2 लिया था आइडेंटिटी 1-3, बिल्कुल। H3 लिया था आइडेंटिटी 1-4, ओके। एंड देन H5 आइडेंटिटी 2-4, आइडेंटिटी 2-4, ओके। चलिए H5 की बजाय पहले H4, सीरियल से लिख रहा हूं तो H4 ही लिख लेता हूं ना। तो दैट इज H4 आइडेंटिटी एंड 2-3, ठीक है। एंड H5 दैट इज आइडेंटिटी एंड 2-4, ये लिया था, और H6 ये लिया था आइडेंटिटी एंड 3-4। ये सारे जो है कल हम लोगों ने बात की और ये देखा था कि जितने भी H1, H2 to H6 हैं, these are not contained in V4. ये V4 के अंदर contained नहीं है, ठीक। और फिर कल एक कैलकुलेशन किया था H1 V4 को, और हमने फाइंड आउट किया था कि H1 V4 का जो ऑर्डर है वो 8 है, देन इट इज अ CO2 सब ग्रुप, ये बात आई थी। और फिर आपको होमवर्क दिया था करने के लिए कि आप फाइंड आउट करिए कि व्हाट आर रिलेशनशिप बिटवीन अदर, यानी H1 V4 इसमें से किस HIV4 के बराबर है। किसी ने कैलकुलेट किया था?
आप में से कोई भी कि ये अलग अलग है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि H1V4 ये अलग अलग है या किसी HIV4 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं, आप चेक करिएगा, उम्र कह रहा हूं कि H1V4 that is equal to H6V4, क्या ये बराबर है कि नहीं, चेक। समझ में आ रही है बात? यस सर, दिस इज अ होमवर्क। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं वो कि सीलो टू सब ग्रुप्स। तो हम लिख रहे हैं इसको, आप चेक करिएगा, H1V4, H2V4 एंड H4V4 आर वनली सीलो टू सब ग्रुप्स। ठीक है, कि ये जो है ये सीलो टू सब ग्रुप्स हैं किसके, ऑफ S4 के। तो जब ये बात हमने ऐसे कह दी है तो इसका मतलब कि जो बाकी बचे हुए हैं वो या तो सीलो टू सब ग्रुप नहीं है या इनमें से किसी के बराबर हैं। ठीक है, इतनी बात? यस सर, यस सर। अगर आप देखें कि लगातार जितने भी हमने फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल्स किए हैं उन सारे एग्जांपल्स में हमने ये भी लिखा कि ये सीलो टी सब ग्रुप्स हैं, यानी कि हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप जी में कि कितने नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप्स हो सकते हैं, सीलो पी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, उसमें कितने नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक, पहली थ्योरम तो ये कहती है कि सीलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, लेकिन उसके आगे की हम बात करेंगे और निकालेंगे कि नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए कुछ और चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ चीजें सिंपल प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, आज प्रूफ पर बहुत ज्यादा अपने आप को एम्फेसिस नहीं करूंगा बल्कि एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का प्रूफ तो हमें देखना ही पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सी प्रपोजिशन से हम शुरुआत कर रहे हैं, एंड व्हाट इज अ प्रपोजिशन, कि लेट पी बी अ सीलो पी सब ग्रुप of a group G, then GPG inverse is also a Cielo P subgroup of G, okay, where small g belongs to this G. ठीक है, यानी कि अगर कोई सीलो पी सब ग्रुप है किसी ग्रुप का तो उसका जो कंजुगेट है वो भी सीलो पी सब ग्रुप होगा। यहां पर हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपका जो जी है वो फाइनाइट है, जी मे बी फाइनाइट एंड जी मे नॉट बी फाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर, स्टेटमेंट क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बात कि पी सीलो पी सब ग्रुप है तो हमें दिखाना है कि जी पी जी इनवर्स भी सीलो पी सब ग्रुप होगा। तो हम क्या करें, पहले तो ये देख लें कि जी पी जी इनवर्स एक ग्रुप होगा, ये बात क्लियर है? यस सर। इसमें इसको छोड़ दूं? बोलिए, आगे बढ़ सकता हूं कि
लिख सकता हूं सिंस पी इज अ ग्रुप या सब ग्रुप लिख लूं कि दिस इज अ सब ग्रुप देन GPG inverse is also a subgroup of G. ये तो आप कर सकते हैं ना सिंपली? Yes sir. Yes sir. Okay. तो GPG inverse एक subgroup है G का. तो क्या हम ये भी कह सकते हैं यहां पर कि GPG इनवर्स ये जो है आपका P सब ग्रुप है? बोलिए कैसे कह सकते हैं? यस सर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ GPG इनवर्स. बिल्कुल, सिंस यू कैन से दैट ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू order of GPG inverse. So क्या कह सकते हैं बताइए? GPG inverse is a P subgroup. अब हमें दिखाना है कि ये जो GPG inverse है ये सीलो पी सब ग्रुप. तो कैसे दिखाएंगे? दिखा दें कि ये मैक्सिमल पी सब ग्रुप है, देन वी हैव डन. यस सर. ठीक, तो चलिए मान लेते हैं कि कोई भी पी सब ग्रुप हम ले लें, ठीक, और वो या चलिए फर्दर इफ पी डैश इज ऑल्सो अ पी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी पी जी इनवर्स इज कंटेन्ड इन पी डैश. ठीक है, अगर सोच लीजिए इस तरीके से कि GPG इनवर्स सीलो पी सब ग्रुप नहीं है तो GPG इनवर्स प्रॉपरली पी डैश के अंदर कंटेन्ड होगा. यस सर. ठीक, यहाँ पे कि पी डैश सीलो पी सब ग्रुप. तो अब जो है यहाँ पर हम लिख करके चल रहे हैं कि पी डैश अगर कोई भी पी सब ग्रुप है और किस तरीके का है कि GPG इनवर्स इज कंटेन्ड इन पी डैश, और हम ये दिखा दें कि सिर्फ इतनी ही बात नहीं होगी बल्कि GPG इनवर्स P डैश के बराबर होगा. क्या दिखा दें हम कि GPG इनवर्स P डैश के बराबर होगा तो हमारा काम हो गया. कैसे, इस बात को देखते. तो अगर ये बात है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये हम कह सकते हैं कि देन P इज कंटेन्ड इन G इनवर्स P डैश G. यस सर. यस सर. और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो G इनवर्स P डैश G इसका ऑर्डर P के ऑर्डर के बराबर, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? P डैश के ऑर्डर के बराबर होगा. और इसका ऑर्डर अगर P डैश के ऑर्डर के बराबर होगा यानी कि सम प्राइम पावर होगा. इसका मतलब हुआ कि G इनवर्स P डैश G ये क्या है? ये P सब ग्रुप होगा. तो हम लिख सकते हैं सिंस G इनवर्स P डैश G इज ऑल्सो अ P सब ग्रुप ऑफ G and P is a what? P क्या है? तो silo P subgroup है. बिल्कुल, और P अगर silo P subgroup है तो P maximal है ना? Yes sir. तो P किसी और P, मतलब capital P जो है
वो किसी भी पी सब ग्रुप के अंदर प्रॉपरली कंटेन नहीं हो सकता है। यस सर। क्यों? yes. क्योंकि वो कंट्राडिक्ट कर देगा कि पी इज अ मैक्सिमल, तो हम इसी बात को लिख रहे हैं कि एंड पी इज अ सीलो पी सब ग्रुप, का मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंड सो मैक्सिमल पी सब ग्रुप, ये मैक्सिमल पी सब ग्रुप हो गया, तो क्या बात हुई? इट फॉलोज दैट पी जो है वो बराबर हो जाएगा G इनवर्स P डैश G के, और अगर ये बात हो गई तब हम क्या कह सकते हैं, देन G P G इनवर्स, दोनों तरफ G से आप ट्राई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे G से और राइट हैंड साइड पर G इनवर्स से, तो व्हाट यू विल गेट दैट इज नथिंग बट दैट इज P डैश। ठीक, तब हमको क्या मिल गया यहाँ पर कि GPG इनवर्स, हाँ बोलो। अच्छा, क्या हुआ बेटा? हाँ बोलो, किसी को कुछ कहना है? नहीं, तो चलिए आगे बात कर, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, तो यहां से क्या बात निकल करके आई, हमने माना क्या था, एक ये आप देखिए, जस्ट ये हमने माना कि P डैश कोई भी P सब ग्रुप है, कोई भी है, और वो हमने दिखा दिया कि P डैश अगर कोई भी P सब ग्रुप है और जो GPG इनवर्स को अपने अंदर कंटेन्ड कर रहा है तो P डैश किसके बराबर हो गया, GPG इनवर्स के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या बात आ गई सर? GPG इनवर्स मैक्सिमल है। हाँ, तो देयरफोर GPG इनवर्स इज अ मैक्सिमल P सब ग्रुप, दैट इज GPG इनवर्स is a silo P sub। ठीक है, यानी कि कोई भी silo P sub group अगर आपके पास है तो उसका कंजुगेट भी silo P sub group होगा। क्रिस्टोफर जी, अब जो है इसमें इन जनरल बात कर दे रहे हैं ये कि ये जो हम लेकर के चल रहे थे उसमें जी फाइनाइट है कि जी इनफाइनाइट है उसको लेकर के हम नहीं देख रहे, तो ये बात हम कह सकते हैं कि दिस प्रपोजिशन इज ट्रू इफ जी इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि जी फाइनाइट ग्रुप हो या इनफाइनाइट। अब कुछ कोरोलरी मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट, हाँ क्योंकि एग्जांपल्स करने हैं, सोच रहा हूँ एग्जांपल्स ज्यादा कर दूं तो उसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ बहुत सिंपल सिंपल है, आप कर सकते हैं, फिर भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। तो एक सिंपल सी कोरोलरी कि इफ there exists a unique silo P subgroup of G, then it is normal। ठीक
ठीक है ये बात? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो अभी हमने प्रूव किया कि सीलो पी सब ग्रुप अगर पी है तो जीपी जी इनवर्स भी सीलो पी सब ग्रुप हो जाएगा, और अगर ये बात हो गई तो जीपी जी इनवर्स इज इक्वल टू पी के हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि यूनिक है सीलो पी सब ग्रुप है, तो फॉर एवरी जी बिलोंगिंग्स टू जी, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफोर पी इज नॉर्मल इन जी। ठीक है, तो दिस इज अ हिंट फॉर दिस, लिखना भी इतना ही है बस। दूसरी कोरोलरी एक सिंपल सी और, कि जितने भी सीलो पी सब ग्रुप्स हैं अगर उन सबका हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो नॉर्मल होगा। I'm saying that the intersection of all CLO P subgroups of G is normal in G. तो प्रूफ कुछ ज्यादा नहीं है, दो लाइन का है, मैं कर ही दे रहा हूं। मान लेते हैं लेट दिस पी इज अ सेट ऑफ ऑल सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सीलो पी सब ग्रुप्स की बात हो रही है। ठीक, तो हम पी आई, इस पी के अंदर एक एलिमेंट है, और पी आई क्या हुआ फिर, पी आई इज अ सीलो पी सब, सारे पी आई का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वेयर पी आई बिलोंग्स टू दिस पी। ठीक, इस इंटरसेक्शन को अगर हमको क्या दिखाना है कि इट इज अ नॉर्मल, तो हम क्या दिखा दें कि इसका कंजुगेट अगर हम ले लें तो ये इसी के बराबर हो जाए, देन वी हैव डन, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट इट एज इंटरसेक्शन ऑफ पी आई एंड देन जी पी आई जी इनवर्स, और इसको आप देखेंगे कि और कुछ नहीं है, दिस इज PI belongs to, मैं वही छोड़ दे रहा हूं, दिस इज PI। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफोर इंटरसेक्शन ऑफ PI, दिस वन इज अ नॉर्मल इंच। अब एक सिंपल सी प्रपोजिशन और उसके बारे में कई लोगों ने शुरुआत में सवाल पूछे भी थे, तो प्रपोजिशन लिख दूं तब हम बात करेंगे, कि एवरी पी सब ग्रुप, कि कोई भी पी सब ग्रुप है तो वो किसी ना किसी सीलो पी सब ग्रुप के अंदर कंटेन्ड होगा। हर एक के अंदर की बात नहीं कही जा रही, अगर कोई सीलो पी सब ग्रुप है तो वो किसी ना किसी एक सीलो पी सब ग्रुप के अंदर कंटेंट होगा। तो एवरी पी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, अब हम फाइनाइट ग्रुप की बात करें, फाइनाइट ग्रुप इज कंटेंट इन अ सीलो पी सब। पहले इसके लिए हम प्रूफ कर लें, और तो प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, क्या दिया हुआ है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच बी अ, मान लीजिए पी सब ग्रुप
ऑफ जी। तो हमें दिखाना है कि ये किसी ना किसी सीरो पी सब ग्रुप के अंदर एच कंटेन। तो कोई बड़ी बात नहीं, इफ एच इज अ मैक्सिमल पी सब ग्रुप देन इट इज अ, अब तो कुछ करना ही नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं कि यही सीलो पी सब ग्रुप है। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, कि इफ नॉट देन देयर एग्जिस्ट अ पी सब ग्रुप एच वन ऑफ जी which contains H properly, ये बात ठीक है? Yes, sir. फिर आप कह सकते हैं कि अगर H1 जो है maximal है तो H1 क्या हो जाएगा, COP subgroup हो जाएगा। H1 में B मैं वो लाइन छोड़ दे रहा हूं, if H1 is a maximal then H1 be a CLO P subgroup, directly भी लिख सकते हैं then H1 may be a CLO P subgroup। अब मान लीजिए H1 भी maximal नहीं मिल रहा है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम, H2 ले सकते हैं और कह सकते हैं कि H1 properly H2 के अंदर contained होगा, clear? और yes, H2 अगर मैक्सिमल हो जाता है तो हम कह देंगे कि H2 इज अ सीलो पी सब ग्रुप, फिर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस हमको कहीं ना कहीं तो एंड करना पड़ेगा। क्यों एंड करना पड़ेगा? क्योंकि जो G है हमारा वो फाइनाइट ग्रुप है, ठीक? तो इनफाइनाइटली मेनी स्टेप तक तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। तो इसी बात को लिख दे रहा हूं कि इफ नॉट प्रोसीड दिस प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइटली मेनी स्टेप्स, और उसके बाद जो भी हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्टेप्स गिविंग अस अ सीलो पी सब ग्रुप सिंस जी इज फाइनाइट। एक सिंपल सा रिमार्क, क्योंकि यहां पर जो प्रूफ हमने किया है वो प्रूफ किया है फाइनाइट के लिए, लेकिन ये रिजल्ट इन जनरल भी ट्रू है, यानी इनफाइनाइट ग्रुप्स के लिए भी ट्रू है। उसी बात को रिमार्क के तौर पर लिख दे रहा हूं, द रिजल्ट ऑफ द अबव प्रपोजिशन इज ट्रू इवन फॉर infinite groups। और ये प्रूफ किसकी मदद से होता है, दिस फॉलोज फ्रॉम जॉन्स लेमा। जॉन्स लेमा आपने पढ़ा है? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए मैं स्टेटमेंट सिर्फ बता दे रहा हूं जॉन्स लेमा का, ठीक? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जॉन्स लेमा का हम इस्तेमाल करते हैं। इवन आप सबके कोर्स में आप सबने काफी लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर स्पेसेस और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, लेकिन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की भी बात कर सकते हैं हम। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हम सबने एक थ्योरम
प्रूफ की है और उसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। तो हम जो है इस रिजल्ट को कह रहे हैं कि सिर्फ ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की ही बात नहीं है, एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। लेकिन वहां पर भी जो हम निकालेंगे वो जॉन्स लेमा की मदद से ही करते हैं। और जॉन्स लेमा समझ में तो सिंपली तरीके से आ जाएगी आपको, सिर्फ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं और कुछ नहीं, कि लेट दिस एक्स, और ये लेस देन आर इक्वल टू सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज अ सिंबल एंड दिस इज सिंबल इज व्हाट, दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन एक्स। ठीक, क्लियर? तो दिस वन बी अ नॉन एम्प्टी, यानी कोई सेट और साथ में ये रिलेशन जो है एक्स के ऊपर है, तो ये पेयर जो है कहलाता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इन विच every chain has an upper bound। अगर ऐसा होता है कि कोई भी चेन आपके पास है और वो बाउंडेड अबव है, तो उसमें हमेशा हमको एक मैक्सिमल एलिमेंट मिलता है, then this has a मैक्सिमल एलिमेंट। तो दिस इज नोन एज जॉन्स लेमा। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पता है? यस सर। हाँ, यानी कि ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है? यस सर। ओके, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं फाइनाइट ग्रुप पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करूं कि एकाक एग्जांपल आपको बता दूं इनफाइनाइट ग्रुप्स का, जिसमें भी सीलो पी सब ग्रुप आप डिफाइन कर सकते हैं। सर बता दीजिए। बता दूं? चलो, तो एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं सिंपली। जेड पी क्या होता है ये आपको पता है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. एक सेट हम कंसीडर कर रहे हैं जेड जी, विच इज द इनफाइनाइट कॉपीज ऑफ जेड पी। ठीक है, और हम एक ऑपरेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, ये मान लीजिए, और इस ऑपरेशन को मैं लिख दे रहा हूं ऑन जी, फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, सच दैट, जैसे एक एलिमेंट एक्स लिया, दूसरा एलिमेंट हमने लिया वाई, कहां का जी का, ऑपरेट कराया और इसको हमने डिफाइन कर दिया राउंड, लिख देता हूं ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया यहां पर, वेयर दिस राउंड इज अ या इज एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास या मॉडुलो पी। ठीक,
तो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो पी का एडिशन आप सबको पता है, एग्जाम्पल तो किया है ना आप सबने, जेड पी प्लस ग्रुप। तो यहाँ पर जो ये रेसिड्यू क्लास मॉडुलो का एडिशन है, ठीक, उसकी मदद से एक नया ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया। अब हम इसको देख सकते हैं और ये कह सकते हैं देन दिस जी एंड दिस इज अ ग्रुप, क्लियर। इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है आप में से कोई भी? सर ये तो इनफाइनाइट ग्रुप है ना? हाँ इनफाइनाइट ग्रुप, हाँ ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ये तो इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, ठीक। हम पूछ रहे हैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कुछ पर्टिकुलर मिलेगा आपको, पी शायद, पी। आप चेक कर सकते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आपको पी मिलेगा, नॉन जीरो। हूज एवरी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर पी, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि जी इज अ पी ग्रुप, यही तो डेफिनेशन है ना, एंड जी इज अ पी ग्रुप। और जी अगर पी ग्रुप हो गया तो ये क्या हो गया, मैक्सिमल भी तो है ना, इससे बड़ा तो इसके अंदर कुछ मिलेगा नहीं ना? नो सर। हाँ तो दिस इंप्लाइज दैट जी इज अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, क्लियर है बात, कुछ समझ में आ रही है? यस सर। ट्रीवियल एग्जांपल था, हाँ, ये इस ग्रुप में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पी है, फाइनाइट। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूं, जब बात उठी तो करिए। पी इज इक्वल टू सेट ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, कहने का मतलब कि z belongs to complex number such that z to the power n is equal to 1 for some n belongs to n, ठीक है? Yes sir. अब ये ग्रुप है, यस सर, इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन, हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिस सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। अब एक चलिए सेट और कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर एच। माइक अगर सवाल ना पूछना हो तो म्यूट कर दीजिए प्लीज। जेड बिलोंग्स टू सी, फिर सच दैट जेड टू द पावर p to the power r is equal to 1 for some prime p and r belongs to n. Check. Clear hai baat ye? Yes, sir. Yes, sir. Check hai. कि एक आपने ले लिया तो अब ध्यान में रखिएगा कि H में उस तरीके के नहीं होंगे कि Z to the power 6 is equal to 1, तो ऐसा अगर Z है तो वो H के अंदर नहीं है, P के अंदर तो है लेकिन H के अंदर नहीं है,
क्लियर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन वाले होंगे, जेड टू द पावर फोर इज इक्वल टू वन वाले होंगे, जेड टू द पावर 27 इज इक्वल टू वन वाले एच के अंदर होंगे, होंगे ना? यस सर। ठीक, चलिए तो आप चेक कर सकते हैं ये बात कि दिस एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस पी। अब एच का कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लें तो उसका ऑर्डर कितना होगा? सर पी टू दी पावर आर। बिल्कुल हाँ, तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच, जरूरी नहीं है कि पी टू दी पावर आर ही हो, पी टू दी पावर आर से छोटा भी हो सकता है ना? यस सर। हाँ, लेकिन प्राइम की पावर ही होगा, ये बात तय है। यस सर। हाँ? ठीक, तो एच इज सम पावर ऑफ पी, सो एच इज व्हाट? एच इज अ पी सब ग्रुप ऑफ दिस कैपिटल। ठीक, अब इसके अंदर p टू द पावर r वाले सारे के सारे हैं, तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि दिस h इज द मैक्सिमल p सब। तो ये क्वेश्चन के तौर पर छोड़ा हूं कि चेक दैट h इज अ मैक्सिमल p सब ग्रुप ऑफ p, सो इट इज अ सीलो p सब ग्रुप ऑफ p। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये दोनों इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं और दोनों इनफाइनाइट ग्रुप्स में आपको p सब ग्रुप्स मिल रहे हैं, मैक्सिमल p सब ग्रुप का ऑर्डर भी, ये भी एच भी इनफाइनाइट है, तो p टू दी पावर r टाइप का नहीं है। क्लियर? आप नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p टू दी पावर r। फाइनाइट ग्रुप में तो ये तय था कि कोई भी p सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर p टू दी पावर r टाइप का होगा फॉर सम p, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप में आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे मैक्सिमल सब ग्रुप्स मिल सकते हैं, सीलो सब ग्रुप्स मिल सकते हैं, पी सब ग्रुप्स मिल सकते हैं जिनके ऑर्डर भी इनफाइनाइट होंगे। मेरा पॉइंट ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक, तो कुछ सिंपल सिंपल से रिजल्ट्स कर लेते हैं और ज्यादा नहीं। सिंपल सिंपल से रिजल्ट करने के पहले चलिए एक काम कर लेते हैं सीधे तौर पर। पहले सीलो पी थ्योरम का स्टेटमेंट हम क्लियर कर देते हैं और तब जो है रिजल्ट्स करेंगे। तो नाउ आई एम कमिंग टू सीलो सेकंड एंड थर्ड का कंबाइंड फॉर्मेट, this one here। So let g be a finite group and p divides order of g, where p is a prime, then the set of all सीलो p subgroups, यानी जितने भी सीलो p subgroups हैं उन सबका कलेक्शन, सेट ले लिया,
of G forms a single complete conjugacy class. इसका मतलब है कि that is कि कोई भी दो सिलो सब ग्रुप ले लें, कोई भी दो सिलो पी सब ग्रुप ले लें तो वो आपस में एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, और अगर कंजुगेट है कोई भी सब ग्रुप सिलो पी सब ग्रुप का तो वो भी सिलो पी सब ग्रुप होगा, जो हम प्रूव कर चुके हैं. इसी बात को लिख दे रहे हैं कि दैट इज कंजुगेट ऑफ सिलो पी सब ग्रुप इज अ सिलो पी सब एंड एनी टू सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी आर कंजुगेट. ठीक है, तो दिस इज अ सिलो सेकेंड थ्योरम कि अगर कोई भी दो सिलो पी सब ग्रुप है तो एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, और अगर कोई भी सब ग्रुप सिलो पी सब ग्रुप का कंजुगेट है तो वो सिलो पी सब ग्रुप. अब उसके बाद फाइनाइट ग्रुप के केस में कि अगर व्हाट आर द नंबर्स ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, तो ये भी ये थ्योरम कहती है, मैं लिख रहा हूं फर्दर, द नंबर एम मान लीजिए ऑफ सिलो सब ग्रुप्स of G is of the form M is equal to 1 plus K into P. Check, which is greater than or equal to 0. Where K, where K is a greater than or equal to 0. चलिए इसी में, यानी कि जो नंबर होगा सिलो पी सब ग्रुप्स का नंबर किस फॉर्मेट में होगा, तो दैट इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस के इनटू पी, जहां पर कि k क्या है आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो ये दो थ्योरम है सिंपल सिंपल सी सिलो पी सब ग्रुप्स. अब कुछ कोरोलरी कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं सिंपली, और फिर जो है हम एग्जांपल्स पर आए. इस थ्योरम का प्रूफ नहीं कर रहा हूं. तो इफ पी टू द पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड पी टू द पावर एम प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन all silo p subgroups of G are of order p to the power m. ठीक है, कि अगर p to the power m order of G को divide कर रहा है और p to the power m plus 1 order of G को divide नहीं कर रहा है, तो जितने भी सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे उन सब का ऑर्डर एम टू दी पावर पी टू दी पावर एम होगा. ये सिलो सेकेंड थ्योरम से ही आप कौन सी. उसके बाद ये जो नंबर है द नंबर एम which is 1 plus k into p of
Silopi subgroups of G is a divisor of order of G. ठीक, यानी कि ये जो M है वो order of G को भी divide करे. क्लियर है? तो चलिए इसी पर बेस्ड ये जितनी भी बातें हमने आपसे की हैं उस पर ही बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले, और तब जो है कुछ कुछ प्रपोजिशन और थ्योरम्स करेंगे. तो एग्जांपल पे आ जाता हूं. आपने सबसे पहले अभी कौन सा एग्जांपल किया, S3 किया है ना हमने? आवाज आ रही है कि नहीं? S3 किया है ना? ठीक, S3 किया है. तो S3 के CeLO2 सबग्रुप तो हमने निकाले हैं और CeLO3 सबग्रुप भी निकाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ CeLO2 सबग्रुप्स कितने होंगे ये अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दिस इज ऑफ द फॉर्म 1+k × 2 टाइप का, यही होगा? यस सर. ठीक, अब ये 1+k × 2 टाइप का होगा और साथ में और क्या होगा? एंड 1+k × 2 दिस मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S3. Yes, sir. That is 1+k × 2 must divide 6. ठीक. तो अब जो है क्या हो सकता है? So k = 1. अब दो पॉसिबिलिटी है, k = 0 and 1. चलिए गुड, k = 0 and 1. तो द पॉसिबिलिटी इज k = 0 or k = 1. उसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता ना? ये बात क्लियर है? यस सर. वन से ज्यादा लेंगे, टू ले लेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 1+4 दैट इज 5. 5 डजंट डिवाइड 6. और ज्यादा लेंगे तो वो नंबर 6 से ज्यादा हो जाएगा. सर यहाँ पे के नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ना? हाँ, के हमने पहले ही कहा है ना नेचुरल नंबर. नो, के नेचुरल नंबर और जीरो. greater than or equal to 0. तो बेसिकली मैं ये लिख देता हूँ, चाहे तो इसको आप कह सकते हैं के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस. अब ठीक है? ओके ओके. तो ये दो पॉसिबिलिटी हुई. ये दो पॉसिबिलिटी अब S3 पहले से दिया हुआ है तब तो बात अलग है. तब तो चीजें जो है ज्यादा आसान है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और जनरल कर दे. S3 की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम कर दे रहे हैं और जनरल कि कंसीडर जी be a group such that order of G is equal to 6. सिर्फ इतनी बात कह रहे. क्या कह रहे हैं? कि order of G क्या हो जाए? 6 हो जाए. क्लियर? तब हम यहां से कह सकते हैं कि this one, ये S3 को हमने लिख दिया क्या? G. कि 6 order का कोई भी सब ग्रुप है तो उसमें CeLO2 सब ग्रुप के नंबर्स कितने हैं? तो ये नंबर क्या हो सकते हैं? देयरफोर नंबर ऑफ CeLO2 सब ग्रुप इज के बराबर 0 रखेंगे, या तो 1 आएगा या 3 आएगा. क्लियर है?
के बराबर जीरो रखा तो ये नंबर एम क्या हो गया, वन हो गया, और के बराबर वन रखा तो ये नंबर थ्री हो गया। यस सर। ठीक, अब चलिए, अब और कह रहा हूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सीरो टू सब ग्रुप्स, दैट इज टू भाई, टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है, टू स्क्वायर सिक्स को डिवाइड नहीं कर रहा है। यस सर। ठीक, चलिए आगे। अब जो है यही बात अब सीलो थ्री सब ग्रुप के लिए भी करो। अगर सीलो थ्री सब ग्रुप्स की हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सीलो थ्री सब ग्रुप्स, दैट इज थ्री, थ्री डिवाइड सिक्स, थ्री स्क्वायर डजंट डिवाइड सिक्स, सो ऑर्डर ऑफ सीलो थ्री सब ग्रुप इज थ्री। क्लियर है? यस सर। ओके, एंड व्हाट इज अ नंबर ऑफ सीलो थ्री सब ग्रुप, दिस इज इक्वल टू वन प्लस के इंटू थ्री, वन, और इसमें जो पॉसिबिलिटी है तो हम कह सकते हैं द only possibility is k equal to zero, is k is equal to zero, therefore number of silo 3 subgroup is 1, yani wo unique ho gaya। ab 6 order ke group mein agar ye baat ho gayi to kya kuch baatein aap apne aap keh sakte hain, kya keh sakte hain कि जो तीन ऑर्डर का सब ग्रुप है वो नॉर्मल हो गया। यस सर। यस सर। यस यस। क्लियर, तो देयरफॉर सीलो थ्री सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी। ठीक, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर सिक्स है तो तीन ऑर्डर का ग्रुप हमेशा सब ग्रुप नॉर्मल होगा। इसको आप लोगों ने पहले भी किया है एक एग्जांपल में, क्या किया है कि जी एच नॉर्मल जी में अगर पी हमको कुछ मिल रहा है प्राइम जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम है और ऑर्डर ऑफ जी में आ रहा है तो उस इंडेक्स का एक नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। ये था ना? यस सर। नहीं, इसका उल्टा क्या था कि एच का इंडेक्स अगर पी है देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर? अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि इफ नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप इज वन, दो केसेस हैं, दोनों केसेस को लेकर के चलू, सीलो थ्री सब ग्रुप का नंबर वन होगा ये तय है, अब सीलो टू सब ग्रुप का नंबर मान लीजिए वन है, देन क्या मिलेगा, सीलो टू सब ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ये होगा भाई, अगर नंबर वन है तो यूनिक हो गया ना। यस सर। यस सर। यूनिक हो गया तो वो नॉर्मल हो गया। क्लियर? तो अब आपके पास एक सीलो थ्री सब ग्रुप मिला और एक सीलो टू सब ग्रुप मिला। सीलो थ्री सब ग्रुप का कुछ नाम ले लेते हैं, या चलो इसको लिख लेते हैं, से इट इज क्या लिख लू, एच सीलो टू सब ग्रुप को लिख, और सीलो थ्री सब ग्रुप को जब ये लिखा हमने तो से सीलो थ्री सब ग्रुप इसके। अब ये बताइए कि एच और के दोनों नॉर्मल हो गए तो एच के क्या हो गया,
HK is also subgroup. Normal group of G होगा और HK का order क्या हो जाएगा? Order of H into order of T divided by HK, अगर ऐसे लिख रहे हैं order of HK is equal to order of H order of K upon order of H intersection K. यही लिखते हैं ना? Yes, sir. Order of H is 2, order of K is 3. H intersection K में कोई element common होगा? Non-identity. नहीं. क्यों? क्योंकि अगर कोई non-identity element दे लिया, तो उसको 2 को भी divide करना पड़ेगा, उसको 3 को भी divide करना. Conjugate. क्योंकि case नहीं हो सकता है. इसका मतलब कि H intersection K में सिर्फ और एक ही element है. That is the identity element. So this is 1. It means it is 6. Clear? So HK kya ho gaya? 6 ho gaya. HK G hai. Iska matlab HK kya ho gaya? G ho gaya. Therefore, HK is equal to what? G. Ab HK अगर G हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि G is a direct product of CELO 2 subgroup and CELO 3 subgroup? Yes, sir. So therefore G is a direct product of CELO 2 subgroup and CELO 3 subgroup. अब CELO 2 subgroup क्या है आपका? दो order का. दो order का इसका मतलब it is Z2. CELO 3 subgroup क्या है? तीन order का. It means it is Z3. Yes, sir. ठीक. और दो order, तीन order के group हैं तो वो क्या है? Cyclic हैं. होंगे? Yes, sir. ठीक. और ये cyclic है तो direct product of a cyclic group is a cyclic group. हम इस बात को लिख सकते हैं since H is nothing but H is what? लिख ही देते हैं यहाँ पे. Z2 लिखना चाहे तो लिखने या छोड़ दें. Since H is a cyclic group of order 2 and K is a cyclic group of order 3. So G, likh sakta hun, being a direct product of cyclic group is cyclic. रीजन और लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं यहां पर कि सिंस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. कुछ और चीजें भी आगे इस्तेमाल करूंगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन. उसकी बात ठीक. इसका मतलब क्या हो गया कि G जो है 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हो गया. देयरफॉर G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. इसका मतलब और क्या निकल कर के आ रहा है? हां Z6. हेलो सर. हां बताएं. हां पूछिए सर. इफ वी टेक डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z2 cross Z2, then it is not cyclic. What? Z2 and Z2 na? Haan. Z2 or Z2 ka direct product. Z2 or Z2 ka direct product agar aap de rahe hain, to wo cyclic nahi hai. Yes. Yes, sir. Cyclic nahi hai. Nahi hai ab.
तो कल हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पर ही कुछ और एग्जांपल्स, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे इन सारी चीजों को, तो व्हाट इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ टू ग्रुप्स, इस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। और जी बताएं। हेलो, हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, कल इस पर हम बात कर सकते हैं, अभी भी मतलब दूसरे सर कह दें कि, लेकिन वो उचित भी नहीं है, नहीं तो एक मिनट, चलो इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लूं तो फिर बात करें। अब सवाल उठता है एक और कि इफ दूसरा, देयरफोर यहां पर जी इज व्हाट, नथिंग बट इट इज जेड सिक्स, इफ नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप इज इक्वल टू थ्री, चेक, और अगर सीलो टू सब ग्रुप ये थ्री हो गया तब सीलो टू सब ग्रुप नॉर्मल तो नहीं रह गया ना? नो सर। यस सर। सीलो टू सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, और ये नॉर्मल नहीं रह गया, सॉरी, तब हम क्या कह सकते हैं? बताइए, आपने सपने सवाल उठाया है तो एक सिंपल सी बात और कर दे रहा हूं, एच के जैसे आप लिख रहे हैं एज अ सेट फॉर्मेट में, इसको आप लिखिएगा, मैं छोड़ रहा हूं, ठीक। अब तीन अलग अलग कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं इसकी भी बात हम सोच सकते हैं ना? यस सर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एक H1 मान लीजिए, एक H2 मान लीजिए और एक H3 मान लीजिए, क्लियर? ये तीन आपको मिलेंगे। H1K का ऑर्डर कितना होगा? कोई भी H1K क्या हो जाएगा आपका? H1K इज ग्रुप तो होगा ना, क्योंकि K नॉर्मल है, K इज अ नॉर्मल इन G, सो H1K इज सब ग्रुप ऑफ G, एंड यू कैन चेक दैट कि ये H1K जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, उसका ऑर्डर 6 होगा, H2K, H3K, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन सबके ऑर्डर 6 है, ये पूरा का पूरा G ही है, लेकिन यहां पर H1 और K के डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में हम जी को नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में लिखने के लिए जरूरी होता है कि दोनों ग्रुप्स नॉर्मल हों, या जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे क्या हों, नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो हमारे पास दूसरा केस मिल गया यहां पर कि जो अगर नंबर ऑफ सीलो टू सब ग्रुप्स थ्री होंगे तो ये जो कुछ भी ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होगा, Z6 तो नहीं होगा, ठीक। अब Z6 के अलावा कोई और ग्रुप जो हमें 6 ऑर्डर का पता है, व्हाट इज दैट? S3। ठीक, तो ये जो है आपका ग्रुप जो है वो क्या है, S3 के बराबर है। तो दिस वन इज नथिंग बट यर,
here, G is F3. और इस तरीके की जो बात आती दैट इज सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट, उधर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये जी जो है वो क्या हो गया आपका एस थ्री हो गया। और एस थ्री में अगर आप देखें, आप कैलकुलेट करें, तो आपने कैलकुलेट भी किया है कि व्हाट आर सीरो टू सब ग्रुप्स इन एस थ्री, वी हैव कैलकुलेटेड, क्या किया था ई या चलिए जैसे भी लिखा था, वन आइडेंटिटी एंड वन टू, ये आइडेंटिटी एंड वन थ्री, एंड दिस वन आइडेंटिटी एंड टू थ्री, ये सब क्या है आर सीलो टू सब ग्रुप्स। और सिर्फ यही सीरो टू सब ग्रुप्स है, इनके अलावा कोई और नहीं, क्योंकि तीन से ज्यादा हो भी नहीं सकते। तो अभी तो एक एग्जाम्पल की बात थी, कल हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करेंगे, थ्योरम्स छोड़ देते हैं और कुछ चीजें और कर देंगे जिनकी जरूरत है, हाँ, विशेष रूप में कि व्हाट इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। स्वप्निल सर, आपने हर चीजों को हमेशा ही बहुत शानदार तरीके से समझाया है, बच्चे वास्तव में बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ ऐसी, मतलब बातचीत जब मेरी भी होती है तो उनका फीडबैक क्लियर है, वैसे भी वो सामने हैं, उन्हीं के सामने बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक भी है, और बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, वही हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जी सर, हाँ, मैं सभी बाकी भी बच्चों से चाहूंगा कि वो लोग पूछें, नहीं आएगा कोई बात नहीं आप, लेकिन सवाल जरूर रखिए सामने। और आप मैं टोक रहा हूँ सर कि मैथमेटिक्स में ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल पूछें और हर सवाल का हमारे पास जवाब हो। जी सर, ठीक, तो जी। हो सकता है कि कुछ सवाल के जवाब हमारे पास ना हो, तो हाँ, वो और सर लोगों से पूछ सकते हैं, उनके पास होंगे, हाँ, और हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब उनके पास ना हो, तो कभी जिंदगी में मौका लगे तो आप ढूंढ लीजिएगा, और हो सकता है कुछ सवालों के जवाब किसी के पास ना हो। हाँ, ये है सर, ये भी हो सकता है, जब तो भी आप पैराडॉक्सेस होती हैं, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं कि जिनके एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जवाब। सर, ये तो दोनों तरफ से हम लोग सीख रहे हैं, मतलब बच्चे भी सीख रहे हैं और हम लोग भी सीख ही रहे हैं ना। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। टीचिंग, हमेशा टीचिंग के लिए एक वर्ड आता है, टीचिंग इज लाउड लर्निंग, मतलब जोर से बोलते हैं आप लेकिन सीख रहे होते हैं, आप खुद भी सीख रहे होते हैं उसको। तो खैर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक डाउट पूछना है। हाँ सर, सपोज अगर साइलो पी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, हाँ, तो उस केस में अगर ऑर्डर एन के जितने भी डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होंगे, क्या वो साइलो पी सब ग्रुप बनाएंगे? मतलब सर, साइलो पी सब ग्रुप का सपोज ऑर्डर एन है, तो एन उस ग्रुप में जितने भी ना, तुम बेटा सुनो, कल ये सवाल, यही सी सवाल से शुरू कर लेना क्लास, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर एन अपनी मर्जी से जो तुम्हारी इच्छा हो उसको ले लेना, ठीक, ओके, ठीक, चलो, क्योंकि विपुल सर की भी क्लास होगी तो। यस सर, विपुल सर अभी जुड़े नहीं है, आ गए, विपुल सर आ गए हैं, मतलब इंटर कर, ठीक, हाँ, विपुल सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर, जस्ट अभी क्लास छूट ही रही है, क्या आप बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहेंगे या शुरू करना चाहेंगे? नहीं नहीं, 5 मिनट ब्रेक दे दो। चलिए ठीक है, हम 4:05 पर मिलते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद सर।
हाँ गुड इवनिंग, मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे जुड़ चुके हैं। सर शुरू करें? हाँ हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी सर। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि विपुल सर का ऑफिशियली इस प्रोग्राम में ये लास्ट लेक्चर है, तो उसके बाद आपको जो भी सवाल पूछने हैं सर से उस सेशन में आप आराम से पूछिए। हम लोग ऑफिशियली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फिर भी जरूरत होगी तो हम सर को आगे भी परेशान करेंगे। जरूर। धन्यवाद सर। अच्छा ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आज अल्टरनेटिंग ग्रुप शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर अल्फा जो है कोई परम्यूटेशन है SN के अंदर, तो अल्फा को हम डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, राइट? डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर, वेयर ईच अल्फा आई इज साइकिल। ठीक है, बात क्लियर? तो और हर साइकिल को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूव किया था एवरी परम्यूटेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये प्रूव किया था, ट्रांसपोजिशन मीन्स साइकिल ऑफ लेंथ टू, every permutation is a product of transposition। ठीक है, बात ले रहे? Yes sir। Okay, तो एक पहले प्रॉपर्टी जरा देखें। प्रॉपर्टी ये है कि मान लें कोई प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है बीटा वन बीटा टू एंड बीटा आर, और ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, वेयर Each beta i is a transposition। यानी कि कुछ r transpositions हैं जिनका product identity के बराबर हो जाए, then this r is even number। बात कह रहे? अगर कुछ transpositions का product identity के बराबर आए तो फिर r जो है वो इवन नंबर होगा। ठीक है, ये प्रूव करना स्टेटमेंट। ओके, यानी कि 15 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं हो सकता क्योंकि 15 एक ऑड नंबर, राइट? यस सर। तो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि आर जो है वो 1 नहीं हो सकता, ये ठीक है? यस सर। आर वन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर आर वन हो गया तो इसका मतलब है ट्रांसपोजिशन आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, राइट? यस सर। तो आर कम से कम 2 है। अच्छा, अगर आर 2 हो गया तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तब तो प्रूव कर दिया ना हमने कि 2 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है और हो सकता है। जैसे कि ए बी और ए बी अगर हम लिख दें तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, तो 2 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है तब बात खत्म हो गई, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो हम मान लें कि आर जो है वो 2 से बड़ा, सपोज आर इज ग्रेटर देन 2, और हमें दिखाना है कि आर जो है वो एक इवन नंबर है, और ये प्रूफ जो है हम इंडक्शन से करेंगे, राइट? सो प्रूफ इज बाय इंडक्शन। तो क्या इंडक्शन हाइपोथेसिस है? सो वी सपोज दैट, वी सपोज प्रूफ इज बाय इंडक्शन, सो वी सपोज एक इंडक्शन लगाएंगे, क्या? सपोज दैट व्हेनेवर देयर आर एस ट्रांसपोजिशन and the product of
S transposition is identity, then S is even. ये हमने मान लिया, ठीक है? R के नीचे अगर S transposition का product identity के बराबर है तो फिर S even number है, ये हमने मान लिया, induction hypothesis, ठीक है? बस अंदर और अब हम दिखा देंगे कि ये स्टेटमेंट R के लिए ट्रू, देन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल, ठीक है? यही तरीका है इंडक्शन का? यस सर, यस सर। ओके, तो अब ये अब हमको दिखाना है इसके लिए, किसके लिए? सपोज दैट बीटा वन बीटा टू एंड अप टू बीटा R इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमें दिखाना है कि R इवन होगा। अच्छा, अब ये जो सबसे लास्ट वाला ट्रांसपोजिशन है इसको जरा पकड़ें। तो मान लें ये जो लास्ट वाला ट्रांसपोजिशन है ये कुछ ए बी टाइप का, क्योंकि ट्रांसपोजिशन है तो ए बी टाइप का होगा। अब इसके ठीक पहले वाला जो ट्रांसपोजिशन है उसकी चार चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, बीटा आर माइनस वन की चार पॉसिबिलिटी। सो देर आर फोर पॉसिबिलिटी ऑफ there are four possibilities of beta r minus one. क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो पॉसिबिलिटी है कि बीटा r माइनस वन जो है वो ए बी ही हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बीटा r माइनस वन कुछ ए सी हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है बीटा आर माइनस वन बी सी हो जाए। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि बीटा आर माइनस वन एकदम अलग सिंबल हो जाए, सी एंड डी। ये चार पॉसिबिलिटी, ठीक है? अच्छा, तो अब हम जरा पहली पॉसिबिलिटी को देखते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। तो बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा आर माइनस टू बीटा आर माइनस वन एंड बीटा आर, ये लिखा। तो लास्ट की दो पॉसिबिलिटी क्या हुई पहली में? ए बी और ए बी। ये बताइए ये क्या होगा, ए बी क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब है ये बीटा वन से बीटा आर माइनस टू ही रह जाएगा, ठीक है? ये होगा, यस सर। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस में हमने माना था कि R के नीचे अगर कोई प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है तो फिर वो नंबर इवन होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है इंडक्शन हाइपोथेसिस से R माइनस टू क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर R माइनस टू इवन नंबर है तो क्या R इवन है? हाँ सर। तो ये पहली सिचुएशन के लिए ट्रू हो गया, पहले केस के लिए, ठीक है? अगर पहली स्थिति हो रही है तो। अच्छा, बाकी की दूसरी तीसरी और चौथी को हम एक साथ प्रूव करेंगे, बाकी के लिए फॉर अदर्स इसको हम एक साथ प्रूव करेंगे। कैसे? एक आइडेंटिटी देखें तो ये मान लीजिए दूसरा केस है। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था एसी। ओके, तो मान लीजिए जो लास्ट की दो सिचुएशन पे उस पर फोकस करें, एसी एबी। और तीसरे केस में क्या था? तीसरे केस में था बीसी एबी और चौथे केस में था सीडी एंड एबी, यही था। अच्छा, अब इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए बी एंड बी सी। चेक कर लीजिए दोनों सेम सही है, ए बी बी सी लिख सकते हैं। क्या ये दोनों सेम है? एक ही एबी
क्या चीज क्या कह रहे हैं नहीं आवाज आपके साथ नहीं आ रही ये एबीसी होगा सही है ना ओके अच्छा अब एबीसी होगा एसी एसी बी ए एसी बी ए होगा नहीं नहीं ये ए बी और बी सी के बाद देख लेते हैं इसमें ए की इमेज बी और बी की बी तो यहाँ पर ए की फिक्स ए की बी ठीक है अच्छा बी देखते हैं बी की ए और ए की सी तो यहाँ है बी की सी तो बी की सी और सी की सी तो बी की सी हो गई अच्छा सी देखते हैं सी की इमेज बी यहाँ पे सी की इमेज सी की इमेज सी और यहाँ सॉरी सी की इमेज बी और बी की इमेज ए तो सी की फाइनल इमेज है और सी की में सी सी की में दे ठीक तो है बराबर तो है यस सर सर ओके अच्छा अब दूसरे वाले फॉर्म कैसे लिख सकते हैं दूसरे को लिख सकते हैं ए सी और सी बी या बी सी ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और तीसरा में डिसजॉइंट सिंबल है ए बी सी डी अलग अलग हैं तो इनको कम्यूट करा के ऐसे लिख सकते हैं ठीक है बात ले रहे Yes, sir. अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर हम वापस बी टू बी आर माइनस टू बी आर माइनस वन एंड बी आर ये चॉइसेस हैं बी आर माइनस वन की और ये यहाँ पे था ए बी अगर इस सारी आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए तो हमने किया क्या ए जो दाएं साइड का सिंबल था उसको हमने मूव करा दिया बाएं साइड के सिंबल में इस तरीके से कि दाएं साइड में ए अपीयर नहीं हो रहा यही तो क्या हमने तीनों केस में yes, ए जो है दाएं साइड में था इस इन तीनों आइडेंटिटी में खास बात यह है कि अब ए में ए जो है एक शिफ्ट हो गया एक तरफ शिफ्ट हो गया और दाएं साइड में ए नहीं रहा इसका मतलब है कि नए पोजीशनिंग में ए एक शिफ्ट हो गया यानी आर माइनस वन पोजिशन पे आ गया और ए आरत पोजीशन पे नहीं रहा यही हुआ ठीक है अच्छा अब इस पे फोकस करिए अब इसी तरीके से आर माइनस टू की चार चॉइस होगी फिर यही वाले क्राइटेरिया लगाइए अगर वो खत्म हो जा रहा है तो फिर आइडेंटिटी होकर के कम हो जाएगा और वो केस नंबर वन से आर माइनस टू सिंबल होंगे फिर वो इवन होगा नहीं है तो ये फिर तीन आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए और ए को एक सिंबल इधर खिसका दीजिए जिससे ए इधर ना रहे ऐसा कर सकते हैं इन इन आइडेंटिटी से बात क्लियर है जो काम हमने आरत के लिए किया वही काम आर माइनस वनत के लिए करेंगे ठीक है यस यस सर यस सर ठीक ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएं और तब तक करते जाएं जब तक कि आप ए को कहां ना खिसका दें बीटा टू पे ना खिसका दें और ए को ऐसे खिसकाया है कि ए बाकी कहीं भी ना रहे समझ में आ रही बात तो फाइनल आप लैंड कहां कर गए बीटा टू में ए जो है बीटा टू में आ गया ठीक है यस यस सर और ए जो है बीटा थ्री से लेकर के बीटा आर में कहीं नहीं ठीक है yes. अच्छा अब बीटा वन और बीटा टू को जरा फोकस करें अब हम ये कह रहे हैं कि बीटा वन और बीटा टू को आइडेंटिटी होना पड़ेगा अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप वही काम करके बीटा टू से बीटा वन में मूव कर जाएंगे ए को लेकर के ठीक है वही काम कर सकते हैं यस सर Yes, sir. अब अगर ए जो है बीटा वन में आ गया इसका मतलब ये है कि बाएं साइड के सिंबल में ए फिक्स नहीं हो रहा है ये तो मतलब है क्योंकि ए बीटा वन में अपीयर कर रहा है yes, ना लेकिन दाएं साइड जो है सबका प्रोडक्ट किसके बराबर है
आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब है कि ए को तो फिक्स होना चाहिए था प्रोडक्ट में, क्योंकि सबका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी तो सबको फिक्स करता। यस यस सर। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में बीटा वन बीटा टू को आइडेंटिटी होना पड़ेगा, यानी जो बचेगा हमारे पास वो बीटा थ्री से बीटा आर बचेगा और ये आइडेंटिटी होगा। और इसकी नंबरिंग कितनी है, ये टोटल संख्या में कितने हैं? सर आर माइनस टू। आर माइनस टू। और इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि आर से नीचे के लिए अगर ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो उस नंबर को क्या होना पड़ेगा? आइडेंटिटी इवन होना पड़ेगा। आर माइनस टू अगर इवन नंबर है तो आर को भी क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर। इवन होगा। तो ये प्रूफ हो गया, बात लेने? यस सर। तो यानी कि हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि अगर कुछ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर है तो फिर वो इवन नंबर होगा। अब इसका अप्लीकेशन क्या है? अप्लीकेशन ये है क्या कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट, क्या आवाज आपने आ रही है सर, रिपीट कर दीजिए, बोल रहे क्या जी सर, रिपीट करने के लिए बोल रहे। अच्छा रिपीट, ओके। देखिए यहां तक ठीक है ना, कि आपने ए को कहां लैंड करा दिया, बीटा टू में करा दिया, ठीक है? यस यस सर। तो अब बीटा ए जो है बीटा टू में आ चुका है, अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि बीटा वन बीटा टू को आइडेंटिटी होना पड़ेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होना पड़ेगा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो फिर आप ए को फिर एक प्रोसेस लगा करके बीटा वन में मूव करा दीजिए वही तरीके से, ठीक है? यस सर। इसका मतलब है ए जो है बीटा वन में हो रहा है, यानी कि ए बीटा वन में तो है लेकिन बाकी किसी में नहीं है, ठीक है? यस सर। लेकिन इन सबका प्रोडक्ट किसके बराबर? आइडेंटिटी। लेकिन ए बीटा वन में है और बाकी कहीं नहीं है, इसका मतलब है बाएं साइड में ए फिक्स नहीं हो पा रहा, ए कहीं 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 मूव कर जा रहा है, यही तो मतलब है? यस सर। लेकिन सबका प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, इसका मतलब है ए को फिक्स होना चाहिए था, तो बाएं साइड में तो ए फिक्स नहीं हो रहा है लेकिन दाएं साइड में ए फिक्स हो जा रहा है, ये तो कंट्राडिक्शन हुआ ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो बीटा थ्री से बीटा आर तक की है ना, मतलब नए कुछ हो गए, नए बन गए, बीटा थ्री डैश बीटा फोर डैश बीटा आर डैश, ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है? लेकिन इंडक्शन हाइपोथेसिस से आर माइनस टू इवन है, देयरफॉर आर इज इवन, ठीक है ना? बात क्लियर है? यस यस सर। ओके अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए कोई परमुटेशन है और इसको एक बार आपने आर ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा और एक बार इसी को एस ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा, वेयर ईच बीटा आई एंड ईच गामा जे आर ट्रांसपोजिशन, ठीक है? तो आपने कभी आर ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा, किसी दूसरे ने इसको एस ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखा, तो अगर आर इवन है तो एस को भी इवन होना पड़ेगा और अगर आर ऑड है तो एस को भी ऑड होना पड़ेगा, यानी कि आर एंड एस आर इवन टुगेदर एंड दे आर एंड एस आर ऑड टुगेदर, दोनों साथ साथ इवन होंगे और दोनों साथ ही साथ ऑड होंगे,
यानी कि किसी परमुटेशन को एक बार आपने इवन ट्रांसपोजिशन में लिखा तो फिर कोई दूसरा तरीका ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑड नंबर ऑफ वे में ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखें। हाँ, ये हो सकता है कि कभी 14 के प्रोडक्ट में लिखें, कभी 16 के प्रोडक्ट में लिखें, ऐसा हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि एक बार 14 में लिखा तो दूसरी बार आप 17 में लिखें, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बस सन्यारी? यस सर। तो yes, sir. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इस चीज को उठा के इधर साइड में ले जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा गामा वन गामा टू गामा एस, और ये हो जाएगा बीटा आर इनवर्स बीटा आर माइनस वन इनवर्स एंड अप टू बीटा वन इनवर्स, दैट इज आइडेंटिटी, यही होगा। ठीक है, इस पूरी चीज को उठा के यहाँ ले आए, ये हो जाएगा इसको। yes, हाँ, तो अभी हमने प्रूव किया कि अगर कुछ ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो टोटल नंबर इवन होगा। यहाँ टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर यहाँ क्या है? R plus S। तो ये R plus S इवन होगा। तो R plus S अगर इवन है तो R और S या तो साथ साथ इवन है या तो साथ साथ ऑड है, यही तो होगा। इसका मतलब यह है कि अब हम इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन की डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इवन परमुटेशन की डिफिनेशन अब हम दे सकते हैं। क्या? इवन परमुटेशन कि किसी परमुटेशन को हम इवन कहेंगे, इस कॉल्ड इवन परमुटेशन इफ अल्फा इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्योंकि अब हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी परमुटेशन को आपने इवन तरीके से ट्रांसपोजिशन में लिखा तो जो दूसरा तरीका होगा वो भी इवन होना पड़ेगा, यही तो प्रूव किया। ठीक है, yes, sir. और ऐसे ही ऑड परमुटेशन की डेफिनेशन क्या हो? जिनको हम तो आइडेंटिटी इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन? इवन, राइट? क्योंकि आइडेंटिटी को आप ए बी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो आइडेंटिटी, तो अब हम एक सेट बना लें ए एन, एंड दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन एसएन। एसएन के अंदर जितने भी इवन परमुटेशन है उसी के कलेक्शन को ए एन बना दें। तो अब हमारा क्लेम ये है, ये जो ए एन है ये एक्चुअल में एस एन का सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप फाइनाइट हो तो उसमें सब ग्रुप को दिखाने का एक आसान तरीका होता है। क्या तरीका है? अगर जी हम फाइनाइट ग्रुप ले लें तो इसमें सब चेकिंग क्राइटेरिया क्या है? एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यही है। H. Yes. लेकिन अगर जी फाइनाइट ग्रुप ले लें तो इससे आसान में भी काम करता है। XY belongs to closure property. बस इसी से हो जाता है। अब अगर कोई परमुटेशन अल्फा और बीटा एन के अंदर है तो इसका मतलब है कि अल्फा इवन परमुटेशन है और बीटा भी इवन परमुटेशन है, यानी कि जब हमने अल्फा को तोड़ा होगा तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में तोड़ दिया होगा, और जब बीटा को हमने डीकम्पोज किया होगा तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में डीकम्पोज किया होगा। तो अगर हम अल्फा बीटा लें तो यानी अल्फा को डीकम्पोज किया हमने कितने टाइम्स? इवन टाइम्स। ऐसे ही बीटा को हमने डीकम्पोज किया कितने टाइम्स? इवन टाइम्स। तो जो दोनों का कंबाइन होकर के आएगा वो क्या होगा? इवन और इवन क्या होंगे? Even. इसका मतलब है अल्फा बीटा को कहाँ जाना पड़ेगा? ए एन में जाना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी से ए एन क्या हो जाएगा?
सब ग्रुप ऑफ एसेट। तो ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अब सवाल ये है कि एन के एलिमेंट की संख्या कितनी है, कितने एलिमेंट हैं? तो ये आप लोग जानते होंगे कि n/2 है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ करने का तरीका ये है कि आप एक सेट बना लीजिए, दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशंस, जितने भी ऑड परमुटेशंस हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, और हम एक मैप डिफाइन करें एफ ए एन से लेकर के एक्स में। कैसे हम मैप डिफाइन करें? एफ ऑफ अल्फा इज डिफाइंड एज 1 to alpha, ठीक है। अल्फा ए एन का मेंबर है, यानी अल्फा को हमने इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में के प्रोडक्ट में लिखा, और फिर 1 to और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 to alpha इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन? ऑड हो गया, यानी ये ऑड में पहुंच गया। अब एक आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ कि आप ये दिखाइए कि एफ जो है वो एक बाइजेक्टिव मैप, ठीक है, एफ जो है बाइजेक्टिव मैप है, ये एक्सरसाइज है आपके लिए। तो अब अगर एक एफ बाइजेक्टिव मैप है, इसका मतलब ये है कि अब अगर किसी सेट एक्स से वाई के बीच में बाइजेक्टिव मैप हो गया और ये दोनों फाइनाइट हैं, तो जितने एक्स में एलिमेंट होंगे उतने ही वाई में एलिमेंट होंगे, सही बात है? यस सर। इसका मतलब ये है कि ए एन का जो ऑर्डर है वो एक्स के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है, और ए एन और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन का इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका मतलब ये है, और ए एन और एक्स का यूनियन क्या होगा? SN. पूरा पूरा एस एन होगा, तो इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर यहाँ सेम होगा, ठीक है, और एस एन का ऑर्डर है फैक्टोरियल एन, और क्योंकि ये इंटरसेक्शन पाई है ये हो जाएगा ए एन प्लस एक्स एंड दैट इज फैक्टोरियल एन, और क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है इसका मतलब है कि ए एन का जो ऑर्डर है वो फैक्टोरियल एन बाई 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। फैक्टोरियल एन बाई 2। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन का इंडेक्स है SN के अंदर वो कितना हुआ? इंडेक्स क्या होता है? ऑर्डर SN डिवाइडेड बाय ऑर्डर n। ये इंडेक्स कितना हुआ? 2। और हर 2 इंडेक्स का सबग्रुप नॉर्मल होता है, ये बात मालूम है? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है कि an जो है वो एक्चुअल में SN का नॉर्मल सबग्रुप, ठीक है। बात क्लियर है? यस 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 सर। ओके, अच्छा, तो अब जरा हम A4 के कुछ एलिमेंट को जरा A4 के एलिमेंट को निकालते हैं। A4 का ऑर्डर कितना होगा? 12। ओके, तो आपको SN में जो साइकिल डिकम्पोजिशन तो याद है, जो 3+1 कौन कौन से इवन ट्रांसपोजिशन और कौन कौन से ऑड है, तो आइडेंटिटी तो हमेशा इवन होगा, ये आएगा। क्या ये इवन है? ये इवन है? नो सर। यस सर। यस, देखते हैं जरा, ये तो हुआ ए बी और सी फिक्स और डी फिक्स, यानी ये तो ट्रांसपोजिशन है, तो क्या ये ऑड इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो ये नहीं है, ये है, ये कैसे दिखेगा? दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, ये एक इवन नंबर है, ये आ जाएगा। यस सर।
और ये आएगा, yes, sir. ये कुछ ऐसा होगा 1 2 3, इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 3 और 1 2 हो जाएगा, है ना? ठीक है, yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आप अगर ये बात ध्यान हो, हम लोगों ने A1, A2, AR को एक तरीके से प्रोडक्ट करके लिखा था उल्टे में, A1, AR, A1, AR minus 1 और अप टू A1, A2 ऐसे लिखा था। Yes, sir. तो अब किसी साइकिल की लेंथ अगर R है तो उसको कितने ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में हमने लिखा? R minus 1. इसका मतलब ये है कि अगर R odd number है तो ये R minus 1 क्या हो जाएगा? Even. इसका मतलब है odd length की साइकिल हमेशा एक even permutation होगी, ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसी को और हम जनरलाइज कर दें। क्या जनरलाइज कर दें? अगर अल्फा जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा है, ये मान लें लेंथ N1 की है साइकिल, ये N2 लेंथ की साइकिल है, ये NL लेंथ की साइकिल है और ये इवन है, इसका मतलब ये है कि अल्फा 1 को जब हमने तोड़ा होगा तो इवन नंबर आया होगा ट्रांसपोजिशन में, अल्फा 2 को तोड़ा होगा तो वो भी इवन आया होगा, है ना? इसका मतलब ये है कि this is even if and only if N1 plus N2 plus NL or minus one कितने times आएगा? L times. So this is ये permutation even है if this number is even. ये तो है, yes. देखिए, मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं, जैसे अल्फा को आपने एक 5 लेंथ की साइकिल और एक 3 लेंथ की साइकिल में ब्रेक किया है ना? तो अब अगर ये जो नंबर है 5 माइनस 4, ये इसका मतलब है कि कितने ट्रांसपोजिशन है? 4. यहाँ से आपको कितने ट्रांसपोजिशन मिले? 2. तो इसका मतलब है टोटल ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी हो गई? 6. तो इसका मतलब है अल्फा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? अल्फा जो है इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन? इवन नंबर है, इवन है. तो इसका मतलब ये है कि ये 5 माइनस 1 और प्लस 3 माइनस 2, यानी 5 प्लस 3 हो गया 8 और 1 और 1 का रिपीटेशन 2, यही तो करना है? Yes. ठीक है, ये इवन नंबर है तो ये इवन होगा, ये बोल रहे हैं. अच्छा, तो चलिए, तो अब हम निकाल लेते हैं A4 के 12 एलिमेंट. तो जरा 12 एलिमेंट को हम लिख डालें A4. तो एक तो है आइडेंटिटी और ये 3 लेंथ की सारी साइकिल चली आएगी, इसको हमने काउंट किया था, ये 8 एलिमेंट आएंगे. तो 1 2 3, 1 3 2, 2 4 3, 2 3 4 और उसके बाद 1 4 2, 1 2 4 और एक एलिमेंट और आएगा 1 4 3 और 1 3 4 और फिर इस टाइप के एलिमेंट 1 2 3 4, 1 3, 2 4 और 1 4 2 3. ये 12 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? ये 12 एलिमेंट, राइट? तो ये 12 एलिमेंट A4 के आएंगे. और एक मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप जरा देखिएगा. टेट्राहेड्रन जानते हैं ना? Yes, sir. टेट्राहेड्रन ये इस तरीके से बात ले रहे हैं? Yes, sir.
तो जो टेट्राहेड्रन के इसके नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 तो इस पे मेर के मेर मीर के ना ऊपर का म्यूट आप जरा कर दीजिए आज अल्लाह देखे तो आई खेल नहीं रहे हो देखे तो ये आप म्यूट कर दीजिए जो भी हैं तो जो टेट्राहेड्रन के रोटेशंस हैं वही ए फोर के एलिमेंट बनेंगे टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस में नाम दे दीजिए 1 2 3 4 तो इसके जो रोटेशंस हैं वही ए फोर बनेंगे A4 is nothing but the rotations of tetrahedron. ठीक बात क्लियर है? Yes sir. अच्छा तो हम लोगों ने Kelly theorem पढ़ा था. What was Kelly theorem? Every group is अगर G n order का ग्रुप है then G is isomorphic to a subgroup of SN. यही देखा था G is isomorphic to subgroup of SN. अच्छा अब हम इसका एक application देखते हैं मान लीजिए G जो है n order का है और n एक odd number ठीक है n एक odd number बात ले रहे हैं तो Kelly theorem से जी जो है एसएन का एक सबग्रुप के रूप में देख सकते हैं ठीक है जी इज आइसोमॉर्फिक टू सबग्रुप ऑफ एसएन ठीक है ना यस सर यानी जी की एक कॉपी है यहाँ पर जो कि एसएन के अंदर है और ये दोनों आइसोमॉर्फिक यही तो मतलब है राइट यस सर और जी का ऑर्डर ऑड है यानी ये ऑड ऑर्डर का सबग्रुप है परम्यूटेशन के अंदर इसका मतलब यह है कि अगर अल्फा जो है हम यहाँ उठा लें अल्फा हम यहाँ उठा लें तो इसका मतलब है कि अल्फा जो है इसके अंदर बैठा है जी इसको हम इसी को भी जी बोल दें तो अल्फा जो परम्यूटेशन है वो जी के अंदर बैठा है और जी ऑड ऑर्डर का है तो ऑर्डर ऑफ अल्फा जो है वो भी ऑड होगा किस किस वजह से अगर जी एक ऑड ऑर्डर का ग्रुप है और अल्फा इसके अंदर एलिमेंट है तो अल्फा का भी ऑर्डर ऑड होगा सो 1 1 ऑन 2 नहीं नहीं 1 1 ऑन 2 नहीं दिस इज बाय लैग्रांजिस थ्योरम लैग्रांज थ्योरम कहता है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ये निकाल सकते हैं लैग्रांज थ्योरम से यस सर तो अगर G का ऑर्डर ऑड है तो उसके डिवाइजर की पॉसिबिलिटी इवन हो सकती है क्या नो सर नो इसका मतलब है सारे एलिमेंट का ऑर्डर ऑड होना पड़ेगा इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर वो एक्चुअल में ऑड ऑर्डर के हैं बात समझ में आ रही यस यस सर अब हम अल्फा को साइकिल के प्रोडक्ट में डिकम्पोज करें ठीक है तो ये भी आपने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ ऑर्डर अल्फा 1 ऑर्डर अल्फा 2 एंड ऑर्डर अल्फा एल ठीक है और ये एक ऑड नंबर है तो अगर ये ऑड नंबर है तो इन सभी की पॉसिबिलिटी क्या इवन हो सकती है नो सर नो इसका मतलब है कि सब ऑर्डर ऑड है इसका मतलब है कि जितनी भी साइकिल है उनका ऑर्डर ऑड है तो इसका मतलब यह है कि अगर सभी साइकिल का ऑर्डर ऑड है तो फिर उस साइकिल की लेंथ क्या रही होगी इवन रही होगी क्योंकि जब इवन नंबर होंगे साइकिल के अंदर तो एक कम होके ट्रांसपोजिशन के नंबर बनेंगे हो यही तो है ठीक है Yes, sir. तो इसका मतलब यह है कि लेंथ ऑफ अल्फा आई विल बी इवन बात क्लियर है इसका मतलब यह है कि सारे साइकिल इवन परम्यूटेशन है तो फिर अल्फा भी इवन परम्यूटेशन होगा होगा यस सर इसका मतलब यह है
कि ये जो सारे परमुटेशन है वो इवन है, इसका मतलब है ये जी एक्चुअल में एसएन के अंदर ना जा करके कहां पहुंच गया, सब ग्रुप एन के अंदर पहुंच गया, क्योंकि इसकी जो कॉपी है वो सब इवन परमुटेशन, यही तो मतलब है। यानी कि कैली थ्योरम का एप्लीकेशन ये कहता है कि ऑड ऑर्डर के सब ग्रुप जो हैं वो एक्चुअल में ए एन के सब ग्रुप हैं, यही तो कहता है ना? यस यस, मतलब एस एन से भी हम नीचे उसको देख सकते हैं, एस एन से नीचे देख सकते हैं, एस एन में तो है ही है पर एक्चुअल में वो ए एन के अंदर, ठीक है? यस यस सर, यस सर। तो यहाँ तक तो ठीक है ना? यस सर। ओके यस सर। अच्छा, हमने एस एन के जनरेटर निकाले थे, ऐसे ही हम ए एन के जनरेटर निकालेंगे। तो प्रोपोजिशन ये है कि ए एन इज जनरेटेड बाय ऑल थ्री साइकिल्स, समझ आ रही बात? ए एन जो है सारी थ्री साइकिल से जनरेट हो जाएगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है? बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब अगर हम कोई परमुटेशन जो है ए एन के अंदर लें तो इसका मतलब ये है कि जब हम ए अल्फा को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे, जहाँ टाउ वन टाउ टू टाई एल ट्रांसपोजिशन है, तो इसका मतलब यह है कि ये एल एक इवन नंबर होगा, ये तो मतलब है? यस सर। एल एक इवन होगा ट्रांसपोजिशन के अगर प्रोडक्ट में लिखा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें दिखाना है, यानी कि जो इवन परमुटेशन है उसको दो दो के पेयर में हम तोड़ सकते हैं, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4 and tau l minus 1, tau l, ऐसे दो दो के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब हमको अगर ये दिखाना है कि an 3 साइकिल से जनरेटेड है तो ये सफिशियंट है, इट इज सफिशियंट टू शो दैट, इट इज सफिशियंट टू शो दैट द product of any two, product of any two transpositions is a product of three cycles. हम केवल ये दिखा दें कि कोई भी दो transposition का product तीन तीन cycle का product है, तो इसका मतलब क्या होगा? बात समझ आ रही कि नहीं? कोई भी दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट पकड़े और हम दिखा दें कि वो एक्चुअल में तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, ये वाला हिस्सा तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, ये वाला हिस्सा तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है अल्फा जो होगा वो तीन तीन साइकिल के प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी सारे इवन परमुटेशन तीन साइकिल से जनरेट हो जाएंगे। बात क्लियर है? यस सर। यस। ओके, तो अब किस तरीके से करें? तो मान लीजिए हम दो हमने लिया, मान लीजिए एक ट्रांसपोजिशन लिया बीटा और टाउ, मान लीजिए दो ट्रांसपोजिशन है, तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी, हमें दिखाना है कि बीटा टाउ जो है तीन साइकिल का प्रोडक्ट है। अब चार केस बनेंगे, तो पहला केस क्या होगा कि हम मान लें, पहला केस ये होगा, ये जो ए बी सेट है वो सी डी सेट के बराबर हो, कहने का मतलब ये है कि जो ए बी ट्रांसपोजिशन है वो एक्चुअल में सी डी ट्रांसपोजिशन के एग्जैक्टली बराबर हो, ऐसा हो सकता है, यानी बीटा और टाउ बराबर हो, ऐसी सिचुएशन अपीयर हो सकती है, है ना? पहला केस।
अगर अब हम बीटा टाउ निकालें तो ये हो जाएगा ए बी ए बी, और ए बी ए बी की वैल्यू क्या आएगी? और आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं ए बी सी और ए सी बी, ऐसे लिख सकते हैं। चेक करिए, यस इसका मतलब है कि इस केस में ये तीन साइकिल का प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि बी और सी तो बराबर हो लेकिन ए और डी बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है। यानी बीटा टाउ जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ए बी और बी डी, ऐसी सिचुएशन, ठीक है, बात ले रहे? यस यस सर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए बी डी, चेक कर लीजिए आप, एक इमेज बी, यहाँ एक इमेज बी, बी की इमेज डी, बी की इमेज डी, डी की इमेज डी, डी फिक्स हो गया, डी की इमेज ए, डी की इमेज बी, बी की इमेज ए, डी की इमेज ए हो गई, ये हो गया, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तीसरा केस ये है कि ए बी और सी डी में कुछ भी कॉमन ना हो, सब अलग अलग सिंबल हो, कोई किसी से लेना देना ना हो, यानी कि अगर हम बीटा टाउ को लिखें तो ए बी सी डी ये सब अलग सिंबल, अलग अलग सिंबल। तो अब इसको फिर हम एक ट्रिक से लिखेंगे, क्या इसको लिखने का तरीका है कि ऐसे लिखें सी ए डी एंड ए बी सी, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, बात क्लियर? अब फिर दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट तीन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में आ गया। इसका मतलब है कि चाहे आप कैसा भी केस ले लीजिए, ये जो है ये वाला हिस्सा या तो तीन साइकिल है या तो तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, ये वाला हिस्सा तीन साइकिल है या तो तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, ये वाला हिस्सा या तो तीन साइकिल है या तो तीन साइकिल का प्रोडक्ट है। इसका मतलब है सारे अल्फा तीन तीन साइकिल का प्रोडक्ट है, या तो तीन साइकिल है या तीन साइकिल का प्रोडक्ट, यानी सारे इवन परम्यूटेशन तीन साइकिल से जनरेट हो जाते हैं, ठीक है? यस सर। यस। तो अब इसमें और भी बातें हैं, जैसे ए एन को सिंपल दिखाना, लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम ए एन को सिंपल दिखाएं, लेकिन मैं आपको ए फाइव ये एक अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में प्रॉपर्टी है कि एन पाँच या पाँच से आगे ले लें तो ये सिंपल ग्रुप होता है। सिंपल ग्रुप की डिफिनेशन क्या होती है? तो जिस ग्रुप के कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, नहीं, हर सब ग्रुप के पास नॉर्मल होता है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी और खुद 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 के अलावा और कोई ना, खुद के अलावा और आइडेंटिटी के अलावा ना हो कोई, तो ये सिंपल है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम ए फाइव को सिंपल कैसे दिखाते हैं इसका मैं आइडिया दे देता हूँ। तो ए फाइव को सिंपल दिखाने का तरीका ये है कि आप ए फाइव को कॉन्जुगेसी क्लासेस में ब्रेक कर दीजिए। कॉन्जुगेट जानते हैं ना, अल्फा बीटा को कॉन्जुगेट कहते हैं। अगर अल्फा को हम कुछ पी बीटा पी इनवर्स के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, yes. ऐसे, तो अगर हम, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी प्रूव करने में टाइम जाएगा, तो क्या करिए कि कॉन्जुगेसी क्लास में ब्रेक कर दीजिए। तो जो आपका ए फाइव है वो इस तरीके से ब्रेक होता है, एक ये कॉन्जुगेसी क्लास आएगी, इसकी क्लास आएगी, एक क्लास आएगी वन टू थ्री फोर फाइव की एक क्लास आएगी, एक क्लास आएगी वन थ्री फाइव टू फोर इसकी क्लास आएगी, और एक क्लास आएगी जिसमें वन टू थ्री फोर टाइप के एलिमेंट होंगे, और एक क्लास और होगी जिसमें केवल तीन लेंथ की साइकिल होगी इस टाइप के एलिमेंट। तो इनकी जो संख्या होगी ये होगी 12, और इनकी जो संख्या होगी ये होगी 12, इसकी जो संख्या होगी ये होगी 15,
और इसकी जो संख्या होगी ये होगी 20। इसका मतलब है हम एक्चुअल में क्लास इक्वेशन लिख रहे हैं। क्लास इक्वेशन आप लोग जानते हैं ना, ग्रुप एक्शन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। अगर लिखें तो 1 + 12 + 12 + 15 + 20 क्या ये 60 के बराबर हो रहा? फैक्टोरियल A5 का ऑर्डर जो है फैक्टोरियल 5/2 यानी 60 हो रहा है। देखिए यस सर। यस। तो अब इसको अगर h जो है an के अंदर नॉर्मल है और h अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे e लिख दें, आइडेंटिटी नहीं है तो अगर कोई अल्फा आया, मान लीजिए अल्फा यहाँ से आया, तो नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है? नॉर्मल होने की डिफिनीशन होती है जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यही होती सर। इसका मतलब है कि अगर एक एच आया तो अपने साथ सारे कॉन्जुगेट उठा करके ले आएगा, यही तो मतलब है। ये कॉन्जुगेट है एच के, ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर कोई अल्फा इस क्लास से आया तो अपने साथ 12 एलिमेंट उठा लाएगा, इस क्लास से आया तो 12 एलिमेंट उठा लाएगा। फिर हमें एक्चुअल में अब पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी, जैसे मान लीजिए ये और ये हुआ तो 12 12 24 और एक आइडेंटिटी 25, तो क्या 25 ऑर्डर का सब ग्रुप की पॉसिबिलिटी है 60 ऑर्डर के अंदर? नो सर। लैग्रैन्ज थ्योरम सेटिस्फाई करना है, नहीं हो सकती। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक एलिमेंट तो यहाँ से आए और एक एलिमेंट यहाँ से आए, तो 12 + 15 कितना हो गया? 27 और 28, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा दूसरी चॉइस हो सकती है कि ये 12 और ये 20 हो जाए, 12 20 हो गए 32 और 33, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये मिल जाए, तब भी नहीं होगा। कोई भी पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए, लैग्रैन्ज थ्योरम फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी के अलावा अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो फिर पूरा पूरा एन है, और कोई नॉर्मल सब ग्रुप की पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पा रही, ठीक है? तो इस तरीके से हम ए फाइव को सिंपल दिखा रहे हैं। ठीक, सिंपल चीज। सर एक क्वेश्चन है मेरा, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? सर इफ वी टेक वन क्लास एंड विद आइडेंटिटी देन कैन वी से इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप? नहीं नहीं, हमेशा हमेशा नहीं बनेगा। हाँ एक कुछ केसेस में बन सकता है, जैसे ए फोर के अंदर जो क्लास थी ना, ये हमेशा इन जनरल स्टेटमेंट सही नहीं है, इन जनरल स्टेटमेंट सही नहीं है, पर कुछ केस में हो सकता है, जैसे ए फोर के केस में, ए फोर के केस में ये बन जाएगा। ये क्लास है और इसके साथ आप आइडेंटिटी मर्ज कर देंगे तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा ए फोर, ठीक है? यस सर। जनरल सही नहीं है पर कुछ स्पेशल केस का सही हो भी सकता है, जैसे ए फोर है। ओके तो यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम अप हो गया है। तो अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो बताइए, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन सर, यहाँ से जैसे हम सब ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, कॉन्जुगेसी क्लास में से एक एलिमेंट उठाएंगे जैसे ही, तो सर जितने एलिमेंट डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेज में है वो सारे एलिमेंट आएंगे क्या हमेशा? देखिए कॉन्जुगेट की डिफिनीशन क्या होती है, जैसे किसी ग्रुप के अंदर हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में कॉन्जुगेट, अगर वाई को हम जी एक्स जी इनवर्स लिख सकें तो एक्स और वाई आपस में कॉन्जुगेट कहलाते हैं, है ना? ओके यस सर, ठीक है बात? यस सर। अच्छा और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो कॉन्जुगेसी रिलेशन होता है ये एक्चुअल में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है? यस सर। इस
इसका मतलब है कि पूरा जो ग्रुप है वो इक्विवेलेंस क्लास में पार्टीशन हो जाएगा, है ना? यस सर। और इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी यहाँ पर? क्या बनेगी? क्लासेस हैं यहाँ पर, क्या बनेंगी? कॉन्जुगेसी, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेंगी, है ना? यानी कि कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो एक्चुअल में सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट्स ऑफ एक्स, ये बनेंगी एलिमेंट्स, यस सर। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अगर वाई इस एक्स के अंदर है तो y को आप जी एच जी एक्स जी इनवर्स लिख पा रहे हैं, ठीक है? यही मतलब है जी सर। अच्छा, अब अगर एच जी के अंदर नॉर्मल है तो फिर इसकी डिफरेंस होती है जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर ऑल एच इन h एंड फॉर ऑल g इन g, ये होती जी। तो जी एच जी इनवर्स जो है वो एच का कॉन्जुगेट है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर हर एलिमेंट खुद का कॉन्जुगेट के अंदर आता है तो अपने साथ सारे कॉन्जुगेट एच के अंदर उठा ले आएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी की डेफिनेशन ही यही है। अगर एच के अंदर कोई एक एच आता है तो अपने साथ सारे कॉन्जुगेट उठा लाएगा। Yes sir, got it. In normal subgroup case, it will collect. In only subgroup case, we cannot say, right? Yes. Only for इसीलिए हम simple के लिए prove कर रहे हैं, simple के लिए normality में जा रहे थे, right? क्योंकि yes sir. Normal है तो conjugate लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा तो अपने साथ 15 element भी ले आएगा, 12 भी ले आएगा, लेकिन ऐसे करने पे Lagrange theorem फेल हो जाएगा क्योंकि subgroup ही नहीं बनेगा वो। अगर वो सब ग्रुप होगा तो उसके ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर पर डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात, ठीक है? ओके सर। तो इसका मतलब है A5 में कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा आइडेंटिटी और फुल A5 के अलावा, ये बात। और कोई क्वेश्चन सर? इन परमुटेशन ग्रुप conjugate elements are same cycle class, right? Right, हाँ, ये actual में मुझे करना था, पर हाँ ये मैं कर नहीं पाया, actual में मुझे करना था, मैं नहीं कर पाया। देखिए same form के सारे element SN में conjugate होते हैं, correct? Yes sir, but is converse part something? Converse भी सही है कि अगर कोई दो एलिमेंट सेम फॉर्म के हैं तो SN में वो कॉन्जुगेट होंगे, SN में, AN में नहीं होंगे ना? AN में नहीं होंगे, यहीं पे, यहाँ पे देख लीजिए आप, पांच लेंथ की साइकिल दो पार्ट में टूट गई, ये अलग जो है, सॉरी S5 में इनकी संख्या कितनी होगी अगर आप निकालिए जरा, फैक्टोरियल 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 इतनी होगी, यानी ये 24 एलिमेंट आएंगे। तो S4 में पांच लेंथ की साइकिल की संख्या 24 है, तो सॉरी S5 में ये 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट S5 में तो कॉन्जुगेट हैं, लेकिन A5 में कॉन्जुगेट नहीं है, A5 में ये 12-12 में ब्रेक हो जाएंगे, समझ में आ रही बात? यस सर। कुछ आधे 12 एलिमेंट एक साथ कॉन्जुगेट होंगे और आधे 12 एलिमेंट एक साथ कॉन्जुगेट, ये बात है। इफ एन में ये और कोई क्वेश्चन सर? ये हमेशा ही हाफ हाफ में डिवाइड होंगे क्या, कोई भी साइकिल लेंगे आगे एन में? एन का एक तरीका है निकालने का, अभी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो कॉन्जुगेसी क्लास निकालने का कहाँ कहाँ पे वो ब्रेक होते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ओके सर, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कब वो ब्रेक होते हैं,
किस किसी कॉन्जुगेसी क्लास में होती है इसका प्रिसाइज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बच्चों का आपको क्वेश्चन शायद नहीं है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो सर हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल एक छोटी सी गलती हुई है कि विवेक जैन सर का लास्ट क्लास था और हमें वहां पर सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहिए था, मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा सर की एक क्लास और होगी। चलिए कोई बात नहीं, तो वो सॉरी उस बात के लिए। हम आभारी हैं सर आपका कि आप लोगों ने अपना वक्त भी निकाला और बहुत आराम से बहुत प्यार से हमारे बच्चों को ये सारी चीजें सिखाई हैं। अब हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। नहीं नहीं, ये मतलब जो है ये वर्कशॉप ऑनलाइन मोड में थी और ये जो बच्चे हैं इनमें कुछ बच्चे काफी अच्छे हैं, मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा था जी, तो मुझको ऐसा लगता है अगर इनको अच्छी डायरेक्शन मिलेगी तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आगे। इनको अगर अच्छी डायरेक्शन मिले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद सर इन शुभकामनाओं के लिए भी और प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए भी। और हम आज के सेशन का समापन यहीं पर करते हैं। कल दिन में 1:30 बजे से हम लास्ट दिन है, कल पहले स्वप्निल सर का लेक्चर है और उसके बाद लास्ट लेक्चर कल मेरा है। तो सभी का एक बार फिर धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही फिर मुलाकात होगी सर किसी और। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।